ओके हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग। चलो सब लोग जल्दी से आ जाओ और नाम बताते चलो अपना अपना जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी जल्दी नाम बताइए आप लोग। गुड आफ्टरनून जावेद। चलो और कौन कौन बच्चे हैं नाम बताइए जल्दी से। अनगम गुड आफ्टरनून, अश्विनी गुड आफ्टरनून। अनगम दिस इज क्रैश कोर्स, इफ यू वांट टू डू देन यू कैन डू। बेसिकली सब फॉर ट्वेल्थ, फॉर ट्वेल्थ पास आउट्स, ठीक है। स्टिल यू कैन डू इफ यू वांट टू डू। चलो सब लोग आ गए, क्लास शुरू करते हैं हम लोग। टाइम पर करना चाहिए सब कुछ स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव सिस्टम, काफी इजी चैप्टर है। वेलकम श्रुति प्रिया, गुड आफ्टरनून। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत इजीली खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। 95% चांस है कि आज ही खत्म हो जाएगा। देखो क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग मोस्ट लाइकली इसको आज ही खत्म कर लेंगे। ओके बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। चलिए सब लोग आ गए। ओके आप कहाँ स्क्रीन पर है? स्क्रीन ऑफ है, हम पीडीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ निकाल रहे हैं अभी, स्क्रीन ऑफ है। बस बस खुल जाएगा, थोड़ी देर खुल जाएगा, पढ़ लेते हैं हम लोग। चलो सब लोग आगे हो गए। गुड आफ्टरनून सानिया, वेलकम। नीट जेई ट्रिकबाजी, हेलो मोना, वेलकम। मोना कल तुम अब्सेंट थी क्लास में क्या? कल देखे नहीं किसी को तो तुम लोगों को। चैप्टर का नाम क्या है आज? चैप्टर का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पीडीएफ कहाँ है यार, एक सेकेंड। मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया था इसका, एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड। एक सेकेंड बच्चों, ओके एक सेकेंड वेट कर लो, मैं तुरंत डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं तुरंत डाउनलोड कर लेता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया मेरे से कि डाउनलोड भूल गया मैं? बस मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ, ठीक। नंबर 17 है आई थिंक। रेस्पिरेशन, चलो डाउनलोड हो गया। ओके शुरू कर रहे बाबू, हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ओके नोट स्लो रहता है, बाद में देखा कि नहीं आपने, नेट स्लो था तो। चलो हम लोगों ने शुरू कर दिया। ओके ये रहा बाबू, बहुत ही आसान चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, नन्हा सा मुन्ना सा चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, हम लोग शुरू करते हैं। बट बहुत कुछ नया पढ़ोगे आप, ठीक है, पहली बार पढ़ोगे। बहुत कुछ मैं ऐसा बताऊंगा जो आप पहली बार सुनोगे, इससे पहले आपने कभी देखा भी नहीं होगा उस चीज। ओके यस सर, बाद में देख ली, कैसा था क्लास बताओ? बाद में देखा आपने तो कैसा लगा क्लास? चलो बच्चे सब लोग आई थिंक आ जाओ, आगे हो गए। इससे पहले आपने कभी देखा भी नहीं होगा उस चीज। ऑडियो वीडियो क्लियर है बताओ, एक बार कंफर्म कर दो मेरे को। ओके यस सर, बाद में देख सब लोग ली, बता कैसा दो था ऑडियो क्लास वीडियो क्लियर बताओ? है?
बाद में देखा आपने तो कैसा लगा क्लास। चलो मेरा कैमरा भी ऑन हो गया, मेरा कैमरा भी ऑन। ओके शुरू करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा डिले हो गया मेरे तरफ से। हाँ ओके, बहुत मजा आया, चलो थैंक यू। तो बच्चों टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, आज खत्म हो जाना चाहिए, मोस्ट लाइकली आज खत्म हो जाना चाहिए। चलो सब लोग देख लो, ऑडियो क्लियर है। ओके थैंक यू, चलो थैंक यू। ओके सानिया, श्रुति, सब लोग क्लियर है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। ओके तो फिर से देख लो, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो बच्चों कल हमने पढ़ाया था क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें दो चीज ऐड कर लो पहले, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मेरे से दो चीज मिस हो गया था, पहले ऐड कर लो, ठीक है। पहला बच्चा ऐड कर लेना व्हाट इज पल्स प्रेशर, ठीक है। तो पहले ऐड कर लो पल्स प्रेशर, होता है क्या कुछ कुछ भूल जाता हूँ। तो पल्स प्रेशर क्या होता है लिखना, जैसे कि नॉर्मल बीपी कितना होता है, नॉर्मल बीपी होता है हम लोग का 120/80, ठीक है। तो 120/80 mm Hg इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो पल्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 120 माइनस 80 करोगे तो क्या आएगा, 40 mmHg आएगा, ठीक है। तो ये 40 mmHg किसका है, जब बीपी 120/80 है, ओके दैट इज नॉर्मल पल्स प्रेशर, बट ये वेरी कर सकता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सपोज करो कोई क्वेश्चन दे दिया कि किसी इंसान का बीपी 160/90 है, तो पूछेगा इसका पल्स प्रेशर कितना होगा, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 160 - 90 = 70। तो बच्चों पल्स प्रेशर ये क्या है, 40 mmHg, कहाँ फिल होगा हम लोग को, वेरी गुड। ये जो हमारा हाथ होता है बच्चों, तो हम लोग हाथ में फिल करते हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड रेडियल आर्टरी। तो आप देखे होंगे, आपको आता भी होगा, आई थिंक बताया भी था मैं। तो रेडियल आर्टरी बच्चों हम लोग क्या फिल करते हैं, रेडियल आर्टरी पे हम लोग पल्स फिल करते हैं। वेलकम दर्शन। चलो बच्चों तो हम रेडियल आर्टरी पे पल्स फिल करते हैं, तो बेसिकली दैट इज द पल्स प्रेशर। ओके तो बेसिकली रेडियल आर्टरी पे हम लोग पल्स फिल करते हैं। तो देखो बच्चों पल्स को हम लोग फिल करते हैं, रेडियल आर्टरी पे हम लोग पल्स को फिल करते हैं, और वो पल्स क्यों होता है बताओ, पल्स होता है बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। तो इसको ऐड कर लोगे, तो हर एक पल्स क्यों आता है, वेलकम सुमेला, हर एक बच्चों पल्स क्यों आता है, बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। ना बच्चों अगला बात करेंगे, पल्स प्रेशर क्यों फील होता है हम लोग, पल्स वाला प्रेशर क्यों फील होता है। तो बच्चों पल्स प्रेशर जो फील होता है, सॉरी जो प्रेशर बच्चों वहां फील होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पल्स प्रेशर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पल्स प्रेशर। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके तो पल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन के, और पल्स प्रेशर क्या है बच्चों, जो प्रेशर हम लोग को फील होता है कितना है, नॉर्मल वैल्यू 40 mm ऑफ मर्करी, दैट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पल्स प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक क्वेश्चन ये आपको आना चाहिए था। ओके नौ अगला बच्चों लिखना, स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अगला लिखना मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ये क्या होता है। तो बच्चों ये भी लिख लेना, मेन आर्टेरियल का फॉर्मूला लिख लेना, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। डायरेक्टली से वन लाइन है बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा नीट में और मजा आ जाएगा। तो डायस्टोलिक कितना होता है बच्चों हम लोग का, 80 होता नॉर्मल प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर कितना है मेरा बताओ, पल्स प्रेशर है मेरा 120 - 80, मतलब कितना है ये 40 है। सॉल्व करो कितना आएगा, 80 + 1/3 × 1 सेकंड। साहिल मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, हेलो क्लास ले रहा हूँ मैं। हाँ तो देखो इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 13.33 आएगा। तो जब आप 80 को ऐड करोगे बच्चों क्या होगा, तो 80 + 13.3 = 93.3 mmHg, ठीक है। तो रिजल्ट नंबर टू, तो ये भी बच्चों आपको याद रखना होगा। चलो तो दोनों डाटा आपको याद रखना है, 93.3 mmHg इज द मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, मतलब हम लोग के बॉडी के अंदर जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है उसका मेन वैल्यू कितना है, 93 mmHg। बच्चों ये डायरेक्टली नीट में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली नीट में आएगा, आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है, आपको आंसर बताना होगा। चलो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। सपोज एक बीपी दे दिया आदमी का 160/100, अब यहाँ से पूछ दिया आपको मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर निकालना, क्या करेंगे हम लोग, 160/100 में देखो डायस्टोलिक कितना मेरा 100 है प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 और सिस्टोलिक कितना मेरा 160 - 100 कितना आ गया, 60 आ गया, तो 20 आएगा बच्चों, और आगे में कितना 100, आंसर क्या आ गया, 120। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपसे रिलेटिव पूछ सकता है अच्छे रैंक के लिए, तो अगर अच्छे रैंक के लिए करना है आपको बच्चों तो आपको ये आना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके तो हम लोग शुरू करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक को, ठीक है। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग को पता होगा कि हम लोग के बॉडी में कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है कौन, बॉडी का सेल्स। क्यों यूटिलाइज करता है, टू ब्रेक ग्लूकोज एमिनो एसिड फैटी एसिड, और उसको ब्रेक करके हम लोग कहीं ना कहीं एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, जब भी हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, जैसे कि मैं बताया आपको ऑलरेडी बहुत बता चुका हूँ, जब हम लोग ग्लूकोज को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसको तुरंत रिमूव करना होगा, क्योंकि हार्मफुल है, और हार्मफुल है तो हम लोग को इसको रिमूव करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कंटिन्यू ऑक्सीजन को सप्लाई करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकालना है।
इसी प्रोसेस को जिसमें कि हम लोग एक्सचेंज करते हैं O2 एटमोसफेयर से लेते हैं और CO2 को हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं ना। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर है, ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रीदिंग का दूसरा नाम ले लेना, ब्रीदिंग को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, ऐड कर लो उसको। ठीक है ना बच्चों, ये ब्रीदिंग है, एनसीईआरटी लिख दिया है कॉमनली नोन एज, बट टू बी क्लियर एक्जैक्टली ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। हेलो साइमा समर, चलो वेलकम। तो बच्चों क्या बोला मैं, ब्रीदिंग है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। बट उसी ऑक्सीजन को ग्लूकोज को बर्न करके CO2 बनाना और ATP बनाना, दैट इज द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वर्ड क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। तो रेस्पिरेशन है बच्चों क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में O2 आ रहा है, CO2 निकल रहा है, दैट्स ओके। तो रेस्पिरेशन का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या हो बच्चों, रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि आपका बेसिकली ब्रीदिंग तो हो रहा है, वेरी गुड। तो रेस्पिरेशन इक्वल्स टू ब्रीदिंग कह सकते हो, प्लस क्या, प्लस प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो बच्चों ATP भी बन रहा है, ओके, दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर हो गया। चलो नाउ बेसिकली हम लोग नीचे में कुछ बकवास से लिखा हुआ है, ओके हम लोग नीचे देखते हैं। ओके बच्चों आगे आ जाओ। चलो नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे। इस पैराग्राफ में बच्चों कुछ समझने वाला नहीं है, इस पैराग्राफ में कुछ समझने वाला नहीं, रटने वाला है, आप जो खुद से याद कर सकते हो, मैं स्टिल अंडरलाइन कर देता हूँ हर चीज को। चलो देखते हैं, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बच्चों बात करेंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में बात करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वैरी करता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हर जानवर का अलग अलग तरीका ब्रीदिंग पैटर्न होता है जो डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हैबिटेट मतलब कहाँ उड़ाता है, पानी में रहता है, जमीन पे रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है उस पर, जमीन के अंदर रहता है। ओके, ब्रीदिंग के जो फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन, आदित्य राज, ओके ठीक है आदित्य, सही बोल रहे हो, कहाँ से आदित्य। चलो नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, वो कैसा उसका लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ बात करेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, तो बच्चों ये तो रटने वाला है, स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स की बात करेंगे और फ्लैटवर्म्स की। तो ये सब क्या करते हैं बच्चों, ये सब डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं O2 और CO2 को बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सर्फेस। तो डायरेक्टली ये बॉडी सर्फेस के थ्रू क्या करते हैं, CO2 को बाहर करते हैं, O2 को अंदर लेते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको याद रखना है लाइन नंबर 1 जो याद रखना होगा। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म O2 CO2 एक्सचेंज करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन पता है ना आप लोगों को, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मूव करता है, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द एंटायर बॉडी सर्फेस। नाउ बात करेंगे अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म के अंदर क्या होता है बच्चों, अर्थवर्म की बॉडी पे देयर इज अ मॉइस्ट क्यूटिकल, चिपचिपा सा बेसिकली गीला क्यूटिकल होता है, ओके, जिससे वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। नाउ बात करेंगे इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स। तो इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स कहीं ना कहीं हेल्प करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एटमोस्फेरिक एयर को विद इन द बॉडी। काफी नाउ स्पेशलाइज वैस्कुलर बैग्स कॉल्ड गिल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो बेसिकली गिल्स से रेस्पिरेशन करना इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और ये कौन यूज करता है बच्चों, ये यूज करता है मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक अर्थोपोड्स एंड मोलस्काज। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्वाटिक अर्थोपोड्स एंड मोलस्काज क्या करता है, गिल्स को यूज करता है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर एज बात करेंगे वैस्कुलराइज बैग लंग्स, तो लंग्स को कौन यूज करता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लंग्स को यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल वाले जो एनिमल्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं, और लंग्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो बेसिकली गिल्स से करना इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स से करना इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बच्चों याद रखना पल्मोनरी वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है। चलो ओके नाउ वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में देखो फिश यूज करती है गिल्स को, ऑलरेडी बताया था मैं, फिश का बच्चों ये गिल्स है। और एम्फीबियंस रिप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ये क्या करते हैं, लंग्स को यूज करते हैं बच्चों। एम्फीबियंस रिप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ये लंग्स को यूज करते हैं। और बात करेंगे एक अच्छा एग्जांपल है क्या, देखो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, फ्रॉग जो होते हैं बच्चों वो रिस्पायर कर सकते हैं थ्रू द मॉइस्ट स्किन, वो मॉइस्ट स्किन से कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस। देखो यहाँ पर तीन आ रहा है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दिख रहा है ना, तीनों का आपको मतलब बताना चाहिए। गिल्स वाले को ब्रैंकियल बोल रहे हैं, पल्मोनरी वाले लंग्स को बोल रहे हैं और क्यूटेनियस स्किन को बोल रहे हैं। तो फ्रॉग्स के अंदर बस खासियत क्या, देखो बच्चों फ्रॉग मॉइस्ट स्किन से भी कर लेता है, दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। ठीक है बच्चों, तो ये वाला चार्ट आपको आना चाहिए, ये वाला चार्ट आपको आना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक चार्ट और दिखाऊंगा जो कि आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो और इसको ऐड कर लो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, एक सेकंड, वो तो आपको आना ही चाहिए, एक और चार्ट हम लोग देखते हैं इसके अलावा, ठीक है। शुरुआत का थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हम लोग कर लेते हैं क्योंकि देखो सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ नहीं सकता मैं। एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ आपको, चलो देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा शायद, देखो बच्चों आपके स्क्रीन पे आया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाला, एक सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, वेट करो तुरंत आ जाएगा।
ओके बच्चों, आपको इस वाले चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आपको याद रखना होगा। इस वाले को बच्चों आप लोग को ध्यान रखना होगा। ओके तो देखो इसको इसको बेसिकली उसी तरह से कंप्लीट करके लिखा गया है। तो बात करेंगे देखो बच्चों लोअर इनवर्टिब्रेट्स की। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर दिख रहा है आपको क्लियरली, कंफर्म कर दो एक बार। तो देखो बच्चों लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कोई भी वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे हो रहा है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है चलो, तो क्या क्या है? स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म, उसको चार्ट वाइज लिखा हुआ है बेसिकली। नाउ बात करेंगे मॉइस्ट थिन क्यूटिकल से कौन ले रहा है? अर्थवर्म। नाउ बात करेंगे बच्चों ट्रैकियल सिस्टम से कौन ले रहा है? इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच। ठीक है, उसी को अच्छे से लिखा हो गया। नाउ बात करेंगे बच्चों गिल्स। गिल्स क्या है? प्लेट लाइक और फिलामेंटस वैस्कुलाइज स्ट्रक्चर है। कौन ले रहा है? देखो एक्वेटिक अर्थोपोड्स लाइक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रेफिश, प्रॉन्स एंड मोलस्काज लाइक यूनियो। एग्जाम्पल मोलस्का का यूनियो ध्यान रख लो। ठीक है चलो, उसके अलावा देखते हैं। नाउ बात करेंगे वर्टेब्रेट्स के अंदर बच्चों। देखो फिशेस कैसे कर रही है? गिल्स से सांस ले रही है। ओके गिल्स से कौन? कार्टिलेजनस एंड बोनी फिशेस, दोनों फिशेस ले रही है गिल्स से। एम्फीबियंस की बात करेंगे, एम्फीबियंस में भी देखो बच्चों गिल्स से ले रहा है। कौन? टैडपोल, लार्वा ऑफ फ्रॉग। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फ्रॉग के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो फ्रॉग वाले में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है। तो टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग कैसे ले रहा है? गिल्स से ले रहा है। नाउ बात करेंगे मॉइस्ट स्किन, लंग्स और बक्कल कैविटी की। तो एम्फीबियंस में देखो कुछ फ्रॉग्स होते हैं और कुछ टोड्स होते हैं। ये वैसे कैसे ले रहे हैं? देखो मॉइस्ट स्किन से ले रहे हैं जो कि हम लोग क्यूटेनियस बोलते हैं, लंग से ले रहे हैं इसको पल्मोनरी बोलते हैं, और बक्कल कैविटी बच्चों बक्कल कैविटी वाले के नीचे लिख लेना, बक्कल कैविटी वाले को हम लोग बोलते हैं बक्कोफेरिंजियल, बक्कोफेरिंजियल। ठीक है बच्चों, उसको ऐड कर लेना बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। इस करते हैं बक्कल कैविटी को और फेरिंग्स को यूज करते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। नाउ रिप्टाइल्स की बात करेंगे देखो बच्चों, रिप्टाइल्स लंग से ले रहा है, एग्जांपल हो गया स्नेक, लिजार्ड वगैरह। बर्ड्स लंग से ले रहा है और मैमल्स भी लंग से रहे, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग। तो देखो बच्चों कॉमन क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है? तो कॉमन क्वेश्चन बनता है बच्चों आप लोगों से कि गिल्स से कौन कौन ले रहा है। बच्चों कॉमन क्वेश्चन आपसे बनेगा गिल्स से कौन कौन ले रहा है। चलो उसको बच्चों ट्रिक है एपीएमटी, बच्चों गिल्स का ट्रिक है एपीएमटी। ए फॉर क्या बच्चों? ए फॉर एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, ऐड कर लेना उसको, ये तरीका याद करने का तरीका है बच्चों। पी फॉर याद रखना, पी फॉर देखो क्या हमारा, देखो बच्चों एपीएमटी, ठीक है आपको याद रखना होगा। तो बच्चों पी लिखो, पी फॉर फिशेस, पाइसेस को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और एम फॉर बच्चों याद रखना, देखो एम फॉर क्या मेरा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, कहाँ लिखा हुआ है, जस्ट लिखा हुआ अभी, ये रहा मोलस्काज। ठीक है, तो एम फॉर बच्चों मोलस्काज, ठीक है वेरी गुड। और टी फॉर बच्चों क्या है? टी फॉर टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग बच्चों इंपॉर्टेंट चाहिए। चलो ठीक है, तो ये बच्चों याद रखना गिल्स से ये चार चीज सांस लेते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रॉग जो है बच्चों वो फ्रॉग कैसे कैसे लेता है। तो देखो बच्चों फ्रॉग हर तरीके से लिया, चारों तरीके से लिया, कैसे कैसे? तो देखो बच्चों फ्रॉग लंग से भी लिया, वेरी गुड। फ्रॉग बेसिकली बच्चों स्किन से भी लिया, फ्रॉग बच्चों किससे लिया, देखो टैडपोल लार्वा किससे लिया बच्चों? गिल से लिया। तो फ्रॉग बेसिकली गिल से लिया, कौन सा? सिर्फ और सिर्फ टैडपोल लार्वा वाला स्टेज। ठीक है, और लास्ट वर्ड बताओ नॉट द लिस्ट, स्किन हो गया बच्चों, लंग्स हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। चलो तो इस तरह से बच्चों हम लोग करते हैं, और बच्चों लास्ट क्या हो गया? बक्कोफेरिंजियल। बच्चों क्या हो गया लास्ट? बक्कोफेरिंजियल। तो फ्रॉग के अंदर देखो हर तरह का रेस्पिरेशन है, और आपसे पूछेगा कि कौन सा रेस्पिरेशन 24/7 एक्टिव होता है, कौन सा ऐसा रेस्पिरेशन का टेक्निक है जो फ्रॉग में 24/7 अवेलेबल है। आंसर क्या जाएगा? स्किन। तो बच्चों याद रखना स्किन इज 24/7 ओपन स्किन। अगर वो जमीन के अंदर रहेगा तब भी स्किन से लेगा, पानी में रहेगा तब भी लेगा, जमीन के ऊपर रहेगा तब भी वो स्किन से लेगा बच्चों, तो याद रखना होगा। तो फ्रॉग वाले में देखना चारों आ रहा है, और गिल्स का ट्रिक बच्चों क्या बोला मैं? एपीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट। ए फॉर एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स, पी फॉर पाइसेस, एम फॉर मोलस्काज, एंड टी फॉर टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। बाकी बच्चों ये चार्ट आपको पूरा याद करना होगा, बाकी ये चार्ट पूरा याद करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। ठीक है चलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके आपने कर लिया, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कंप्लीट कर लिया। चलो आगे देखते हैं, हम कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड वेट कर लो। बाकी लोग कौन कौन है नाम बता दे जरा अपना, बाकी लोग अपना नाम बता दीजिए। चलिए तो हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया बच्चों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, थोड़ा स्पीड में बढ़ाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है। ठीक है, तो स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं, तो जहां जहां काम का चीज बताऊंगा मैं। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट बेसिक टॉपिक जो कि आपको आना चाहिए, क्या है वो? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम। ओके तो सिंपल तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम लोग अब देखेंगे आगे के टॉपिक्स।
एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, तो मैं जूम करना चाह रहा हूँ। अनम, ओके, जावेद, विकेश, चलो ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, जूम नहीं हो पा रहा, एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा सा, हैव पेशेंस। ठीक है, पूजा, पूजा तो मैं एंड करके फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड बाबू, एक सेकंड, हेलो आतिफ, वेलकम। अभी आया आतिफ? चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम आपने देख लिया, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कर लिया। चलो आगे देखते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां से शुरू होता है, ठीक है, स्टार्टिंग से। ओके वेलकम, चलो स्टार्टिंग से, अच्छी बात है, पढ़ लो बाबू, सब लोग पढ़ लो, ठीक है, तुम लोगों की भलाई के लिए करवा रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको दिख रहा है, स्क्रीन क्लियर है, चलो। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, वी हैव गॉट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आएगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहाँ है, अबव द अपर लिप्स। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, नेजल चैम्बर आएगा। उसके बाद बच्चों नेजल चैम्बर आएगा, ठीक है। नेजल चैम्बर के बाद क्या आएगा बच्चों, नेजल पैसेज आएगा। तो बच्चों उसके बाद वी हैव गॉट नेजल पैसेज, नो नेजल पैसेज, बच्चों क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा। बच्चों क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, फेरिंग्स के तीन पार्ट है, ठीक है, ये डायग्राम आपको आई थिंक क्लियर होगा। तो बच्चों फेरिंग्स के तीन पार्ट क्या क्या होते हैं, तो लिखो पहले, पहला होता है आप लोग का नेजो फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स। उसके बाद बच्चों होता है अगला ओरो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स। और तीसरा है बच्चों लैरिंगो फेरिंग्स, तीसरा है लैरिंगो फेरिंग्स। ओके, तो बच्चों आपसे नीट पूछेगा कि कौन सा फेरिंग्स सबसे कॉमन पाथवे है, ठीक है। आपको आंसर क्या देना है बच्चों, आपको देना आंसर ओरोफेरिंक्स। तो ओरोफेरिंक्स इधर लिख लेना, कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड एयर, इट इज बच्चों कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। तो अपने पास उतना टाइम नहीं कि मैं डायग्राम बना के बताऊं आपको, ये सब चीज आता होगा बेसिक। चलो आगे आते हैं, तो देखो एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है, नेजल चैम्बर ओपन्स विद द फेरिंक्स, फेरिंक्स में अपना जो अ पोर्शन ऑफ व्हिच इज द कॉमन पैसेज, अ पोर्शन ऑफ व्हिच का मतलब फेरिंक्स का एक पोर्शन कॉमन पैसेज है, किसका, फूड एंड एयर का, कौन सा, ओरोफेरिंक्स, ठीक है। नो फेरिंक्स ओपन करेगा इनटू लैरिंग्स इनटू द ट्रैकिया, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों, सपोज करिए नाक वाला रास्ता है, तो एक लेफ्ट नोज से आएगा, एक राइट नोज से आएगा। बच्चों सपोज करो ये माउथ है, एक माउथ से आएगा, तो देखो ऊपर से दो पाइप आ रहा है, फिर नीचे माउथ वाला रहा है, तो ये अल्टीमेटली तीनों चीज मीट कर रहा है ना। यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से दो पाइप निकलेगा, एक बच्चों जो आगे निकलेगा वो क्या है मेरा, वो है मेरा ट्रैकिया, ठीक है बच्चों, आगे निकलेगा ट्रैकिया। और जो पीछे निकलेगा बच्चों वो क्या है, ईसोफेगस। तो हमने ईसोफेगस ऑलरेडी पढ़ रखा है, ईसोफेगस का मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो बच्चों आगे क्या निकला, ट्रैकिया। और देखो ये फेरिंग्स कितने जगह जंक्शन है, फेरिंग्स बच्चों जंक्शन है पांच पाइप का। देखो एक ये लेफ्ट नोज से आया, एक राइट नोज से आया, एक माउथ से आया, और दो नीचे है, तो तीन दो पांच, तो फेरिंग्स इज जंक्शन ऑफ फाइव पाथवे, याद रख लोगे। चलो फेरिंग्स ऑपरेट इनटू द लैरिंग्स इनटू द ट्रैकिया, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होगा, अब ये फेरिंग्स जो आपको दिख रहा है बच्चों, तो फेरिंग्स अब यहाँ पे ट्रैकिया बना रहा है, बट यहाँ पर बात करेंगे इस पोर्शन की, तो मैं इसको अलग से बनाकर दिखाता हूँ बच्चों, तो प्लीज समझना। वी हैव गॉट ट्रैकिया, तो बच्चों ये ट्रैकिया है मेरा नीचे वाला, और ट्रैकिया के ऊपर व्हाट वी हैव गॉट अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स। बच्चों ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वॉइस प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। लैरिंग्स की बच्चों बात करेंगे, तो देखो लैरिंग्स का ये ओपनिंग दिख रहा है आप लोगों, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ओके नाउ अब हम लोग बात करेंगे ये बच्चों जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, क्यों, क्योंकि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मैं लैरिंग्स के सारे कार्टिलेज का नाम आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, एक साथ लिखवाऊंगा, अभी टाइम आता तो लिखवाता हूँ, अभी फिलहाल हम लोग एक समझते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर ग्लॉटिस के ऊपर वी हैव गॉट समथिंग, एक कार्टिलेज होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी ग्लॉटिस, नाम ही काफी है, देखो ईपी ग्लॉटिस मतलब एबव द ग्लॉटिस।
ना इसका फंक्शन क्या है, सिंपल द कॉन्सेप्ट है। जब भी आप कुछ खाना खाओगे, सपोज कोई फूड पार्टिकल आपका यहाँ आ रहा है, तो ये क्या चांसेस, इसके चांसेस क्या बच्चों, ये चांसेस इसको जाना कहाँ, पीछे जाना इसोफेगस में। बट हो क्या सकता है, हो सकता है कि ये ट्रैकिया के थ्रू अंदर चला जाए, कहाँ पर, रेस्पिरेटरी ट्री में। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो इपिग्लॉटिस है बच्चों, ये क्या करता है, ये कंटिन्यू ऊपर बंद होते रहता है। देखो हर जगह अलग गलत पढ़ाया जाता है, ये रियलिटी क्या है। इपिग्लॉटिस मेरे हाथ पे देखो स्क्रीन पे, इपिग्लॉटिस बच्चों इस तरह से गिरता है। इपिग्लॉटिस सपोज करो कि ये मेरा ग्लॉटिस है, हाँ ठीक है, तो बच्चों इपिग्लॉटिस ऐसे गिरता है और बंद करता है, किसको, ग्लॉटिस के मुंह को, ठीक है, ग्लॉटिस के ओपनिंग को बंद करता है, ठीक है, लैरिंग्स के ओपनिंग को बंद करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना, इपिग्लॉटिस ऊपर नीचे होते रहता है और इस तरह से क्या करता है, इस तरह से कहीं ना कहीं ये फूड की एंट्री को रोकता है, कहां पर, आपके विंड पाइप में, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ ग्लॉटिस इट इज कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड इपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। नाउ ये बच्चों आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। देखिए सपोज करो कि गलती से अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में खाना का पार्टिकल आ गया, तो क्या होगा, जैसे ही सपोज करो खाना पार्टिकल आ जाएगा तो क्या होगा, आप स्टार्ट कर दोगे क्या, कफिंग, खांसना शुरू कर दोगे। तो बच्चों याद रखना, कफिंग इज नथिंग, कफिंग इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, बॉडी का ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। क्यों, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रैकिया में फूड पार्टिकल आ गया, इसको हम लोग क्या करें, कफ करके बाहर एक्सहेल कर दे, फेंक दे। तो बच्चों याद रखना, कफ करना है जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इट इज नॉट ऑलवेज अ बीमारी, हमेशा जरूरी की बीमारी हो, खांसी आपको ऐसे भी हो सकता है जब आपका फूड पार्टिकल आपके मुंह में चला जाए, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रख लोगे। और ये बच्चों इपिग्लॉटिस क्या है, इपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज है, किसका, लैरिंग्स का। तो मैं सारे कार्टिलेज का नाम लिखूंगा आगे जाके, ठीक है, टाइम जब आएगा, बट अभी फिलहाल ना इपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज है। नंबर कितना इसका, बस एक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे आते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इजी क्वेश्चन है बट पूछता है। नाउ बात करेंगे ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है, स्ट्रेट ट्यूब है जो कि डिवाइड करता है एट द मिड थोरेसिक कैविटी, थोरेक्सिक कैविटी के बीच में जाकर डिवाइड करता है, किस लेवल पर, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्ट्रीबा। तो वर्ट्रीबा आपको पता होगा क्या होता है, सर्वाइकल वर्ट्रीबा, थोरेसिक वर्ट्रीबा, ठीक है, लंबर वर्ट्रीबा, सैक्रल और कॉक्सिजल। तो बच्चों थोरेसिक वर्ट्रीबा फिफ्थ के पास जाकर ये डिवाइड करता है। बच्चों क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में आना चाहिए, फिफ्थ थोरेसिक वर्ट्रीबा इनटू अ राइट एंड अ लेफ्ट ब्रोंकाई, तो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई बनेगा बच्चों। नो अब हम लोग डायग्राम को देखते हैं, चलो इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं, ओके बच्चों। नो इस डायग्राम को आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर देखते हैं। देखो बच्चों हो क्या गया, ये आपका एपिग्लॉटिस है, ओके, अजीब तरीके से बना दिया एनसीईआरटी ने, इस तरह का होता है। ये बच्चों लैरिंग्स है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। नो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है वॉइस के, कैसे होता देखते हैं। तो बेसिकली देखो बच्चों, लैरिंग्स के अंदर वी हैव गॉट टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स के अंदर वी हैव गॉट टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो टू पेयर में क्या होता है बच्चों, एक पेयर क्या है मेरा ट्रू वोकल कॉर्ड है और एक पेयर बच्चों मेरा क्या है फॉल्स है। तो वन पेयर इज ट्रू वोकल कॉर्ड एंड वन पेयर इज फॉल्स। नाउ ट्रू वाला का फंक्शन क्या है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करना, तो बच्चों साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, बट फॉल्स वाले का कोई यूज नहीं है, ठीक है, नो साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन बच्चों ये हेल्प नहीं करता है। नाउ साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है हम लोग देखते हैं, तो देखो समझते हैं, जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलने के टाइम क्या करते हैं, हम लोग एक्सपायर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम लोग कुछ स्पीक करते हैं तो स्पीक के टाइम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप ऐसा समझ सकते हो, सपोज करो कि आपका लैरिंग्स है, ओके, तो लैरिंग्स के अंदर बच्चों वोकल कॉर्ड्स हैं, आपको ऐसे पढ़ाया जाता है, गलत पढ़ाया जाता है हमें, ठीक है। वोकल कॉर्ड बच्चों कोने में होता है, चिपके हुए होते हैं, ठीक है, मैं खुद अपने आंख से देखा हूं। तो होता क्या बच्चों, जब आप बोलते हो कुछ तो क्या होता है, साउंड ऊपर गया तो साउंड टकराएगा किससे, वोकल कॉर्ड से टकराएगा। तो जैसे टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वाइब्रेशन होगा तो बच्चों क्या होगा, इस वाइब्रेशन के कारण आवाज आएगा, दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साउंड प्रोडक्शन बच्चों, दैट इज कॉल्ड फोनेटिक साउंड प्रोडक्शन, ओके। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, तो वोकल कॉर्ड के टकराने से वाइब्रेशन होता है साउंड का, और साउंड उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट बच्चों, जितना आप जोर से चिल्लाओगे या जितना जोर से आप एक्सपायरेशन करोगे, उतना क्या होगा, उतना आवाज पतला आएगा, ठीक है। तो बेसिकली वोकल कॉर्ड्स को जितना आप स्ट्रेन दोगे, लाइक देखियो ना स्कूल में जब ड्रम बजता था प्रेयर के टाइम में, तो क्या होता था, डम 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 जोर से मारते थे, तो वो जोर से आवाज करता था और उतना पतला आवाज करता था। अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो वोकल कॉर्ड्स है तो होता क्या, देखो प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी आने से पहले, मतलब बेसिकली 10 टू 12 ईयर तक क्या होता है, मेल और फीमेल, एक लड़का और एक लड़की, बॉय एंड गर्ल का तुम आवाज डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन लड़का है बोला लड़की बोल रहा है बिना देखे। तो बेसिकली प्यूबर्टी तक क्या होता है, प्यूबर्टी तक वोकल कॉर्ड की थिकनिंग बराबर होती है, बट आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, मेल्स के अंदर अंडर द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये आपके मेल्स में वोकल कॉर्ड को थिक कर देता है। तो खुद सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, वोकल कॉर्ड थिक हो गया, आपने अगर गिटार का भी बजाया होगा तो आपको कॉन्सेप्ट इस चीज का होगा। बेसिकली गिटार में क्या होता है, जितना स्ट्रिंग पतला होगा उतना ज्यादा पतला हुआ जाएगा, बट बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन क्या हो रहा है, वोकल कॉर्ड की थिकनिंग हो जा रही है, और वोकल कॉर्ड थिक हो गया तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, आवाज बच्चों भारी हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, साउंड का जो पिच है बच्चों वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मेल्स में साउंड डिक्रीज कर जाता है साउंड का पिच, बट फीमेल्स के अंदर कॉन्स्टेंट रहता है, फीमेल्स का आवाज पतला रह जाता है, बट बॉयज का, मेल्स का आवाज भारी हो जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द थिकनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा। चलो कार्टिलेज वगैरह मैं आगे बता दूंगा। नाउ बच्चों बात करेंगे ट्रैकिया की, तो देखो ये ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया में बच्चों पूछता है नंबर ऑफ रिंग्स कितने होते हैं, बच्चों 16 से 20, ट्रैकिया के अंदर वी हैव गॉट 16 टू 20, और रिंग्स कैसे होते हैं, वी हैव गॉट इनकम्प्लीट रिंग, वी हैव गॉट इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग,
इनकम्प्लीट क्यों दिए बताओ? इनकम्प्लीट इसलिए दिए बिकॉज हम लोग को इसको मौका देना किसके लिए? फैलने पचकने के लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सपोज करो कि अगर पूरा का पूरा ट्रैक किया, चारों तरफ से रिंग से कवर होता, सपोज पूरा ट्रैक किया है और पूरा के पूरे रिंग चारों तरफ होते, होते कितने हैं? इतने होते, पीछे साइड में नहीं होते हैं। बट सपोज करो कि रिंग पूरे होते, यहाँ भी होते और पीछे साइड भी होते, तो क्या दिक्कत होता? बेसिकली हमारा ट्रैकिया एक्सपैंड नहीं कर पाता और बेसिकली वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपसे देखो दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा इनकम्प्लीट रिंग क्यों है, आंसर जाएगा टू अलाउ एक्सपेंशन, ठीक है, दैट इज द रीजन। बट आपसे पूछेगा कि रिंग ही क्यों है, आपसे पूछेगा रिंग ही क्यों है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? टू अवॉइड कॉलेप्स, टू अवॉइड कॉलेप्स, यस। दोनों का अलग आंसर आएगा। तो सिंपल तो कौन सा बच्चों? सपोज रिंग ही नहीं होता, इनकम्प्लीट रिंग नहीं होता तो क्या दिक्कत होता? ट्रैकिया को जिस तरह का दिखता तो क्या होता? जब आदमी सांस छोड़ता तो क्या होता? सांस छोड़ता तो साथ साथ क्या होता? ये पिचक जाता, ये चिपक जाता, चिपकता तो क्या होता? आदमी को सफोकेशन होने लगता, अगली बार सांस लेता दिक्कत हो जाता। बट ये चिपकता नहीं है क्यों? ये कॉलेप्स क्यों नहीं करता है? बिकॉज ये रिंग प्रेजेंट होता है। ना अगला क्वेश्चन, इनकम्प्लीट रिंग क्यों होता है? इनकम्प्लीट रिंग इसलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंशन, टू अलाउ लिटिल एक्सपेंशन, टू अलाउ लिटिल एक्सपेंशन व्हेन ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो जब हम लोग फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे बच्चों, उस टाइम थोड़ा बहुत अलाउ करने के लिए ताकि वो फैल सके, इसलिए इनकम्प्लीट होता है। आई थिंक दोनों क्लियर हो गए होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर ऑफ रिंग बच्चों 16 से 20 होता है, याद रखोगे। चलो आगे आते हैं। ना बच्चों देखो, ट्रैकिया नीचे आया और ट्रैकिया क्या किया? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा डिवाइड किया दो पार्ट में। क्या क्या देखो बच्चों? तो बेसिकली आपका हो गया एक लेफ्ट ब्रोंकस और एक राइट ब्रोंकस। ना बच्चों ये आपका मेरा क्या है? ये मेरा राइट ब्रोंकस और ये बच्चों क्या मेरा लेफ्ट ब्रोंकस, दिख रहा है आपको? चलो तो ये बच्चों लेफ्ट ब्रोंकस है, ये राइट ब्रोंकस है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ना राइट ब्रोंकस को देखो साफ साफ क्या दिख रहा है बच्चों को? राइट ब्रोंकस उतना आपसे डेप्थ में कोई पूछेगा नहीं, चलो ये सब कोई बताने का मतलब नहीं बनता, ठीक है, ये सब मैं क्लास में बता देता था। चलो तो बच्चों लेफ्ट ब्रोंकस राइट ब्रोंकस दो चीज बन गया। ना अब क्या होगा बच्चों? ब्रोंकस फर्दर डिवाइड करेगा, किसमें? ब्रोंकस डिवाइड करेगा बेसिकली बच्चों आपके प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड करेगा किसमें? प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, इस तरह से बहुत सारे डिविजन होते हैं बच्चों, इस तरह से बहुत सारे डिविजन होते हैं बच्चों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली याद रखना बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे हमारे, कौन सा? तो आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्टली, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था वीवर, वीवल, ठीक है बच्चों। तो वीवल नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो क्या किए? वो बताया कि बेसिकली इसको बच्चों ऐड कर लेना और एडिट कर लेना, टारगेट वाले बच्चे अगर मेरा क्लास कर रहे हैं तो इसको एडिट कर लेना, ठीक है। चलो तो वीवल क्या बताया बेसिकली, कि बोला कि 23 जनरेशन होता है किसका? एयरवेज का। 23 जनरेशन एयरवेज का होता। कहने का मतलब अगर ट्रैकिया को हम लोग जीरो मानेंगे, अगर हम लोग ट्रैकिया को जीरो मानेंगे तो ट्रैकिया के बाद मैं लिख देता हूँ इसको बच्चों ऐड करना, ट्रैकिया को जीरो मानेंगे तो ट्रैकिया के बाद बेसिकली 23 बार डिवाइड करता है ट्रैकिया, और 23 बार डिवाइड करके अंतिम में क्या बनता है बच्चों? वेरी गुड, अंतिम में बनता है एल्वुलर, बच्चों एल्वुलाई बनता था में जाके, ठीक है बच्चों। आपको याद रखना बच्चों की 23 जनरेशन ऑफ एयरवेज होते हैं। ना इस 23 जनरेशन में बच्चों शुरुआत का 16 और बाद का 7 इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो शुरुआत का 16 जो होता है बच्चों वो क्या होता है? वो होता है कंडक्टिंग एयरवेज बच्चों। शुरुआत का जो 16 है वो क्या है? कंडक्टिंग एयरवेज है। और बच्चों बाद के जो 7 है वो क्या है? वो है बच्चों एक्सचेंज एयरवेज। वो बच्चों है क्या? एक्सचेंज एयरवेज। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये आना चाहिए। तो क्या बोला मैं? टोटल वीवल के अकॉर्डिंग 23 जनरेशन होते हैं रेस्पिरेटरी ट्री के। ये बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, 23 जनरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री का मतलब ये जो पूरा पेड़ जैसा दिख रहा है आपको, इसके 23 जनरेशन होते हैं, 23 इसके ब्रांचेज होते हैं, ओके। उस ब्रांचेज में स्टार्टिंग के 16 और बाद के 7 का आपसे पूछेगा। लास्ट वाला क्या बच्चों? लास्ट वाला है एल्वुलर सैक। अगर आपको एल्वुलाई से बेटर आंसर देना है, एल्वुलर सैक को देना होगा, ठीक है। चलो ओके, ट्रैकिया को हम लोग जीरो माने। ना देखो बच्चों, ट्रैकिया डिवाइड किया, क्या हुआ? 1। फिर आगे डिवाइड किया 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन, और अंतिम अंतिम 23 डिवीजन होता है टोटल, ठीक है। चलो ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आना चाहिए, ओके बच्चों। नाउ डिविजन की बात करेंगे तो हम लोग वो तो बाद में समझ लेंगे, अब हम लोग आगे डायग्राम को समझते हैं। तो बच्चों देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ब्रोंकस मैंने डिवाइड किया और क्या बनाया? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड सो ऑन, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, इस तरह से डिवीजन होते होते अल्टीमेटली क्या हो रहा है बच्चों? अल्टीमेटली हम लोग का अंतिम में, तो मैं अगर शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिख लेना बच्चों खुद से, इसको लिख लो बच्चों। तो सबसे पहले क्या आएगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, बच्चों इसको लिख लो प्लीज। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद क्या आएगा? नेजल चैम्बर, लिखते चलो नेजल चैम्बर। इसके बाद बच्चों क्या आएगा? लिखो इंटरनल नेयर। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? इंटरनल नेयर्स, ठीक है बच्चों, ओके। बच्चों यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया है, नेजल पैसेज, इसको लिख लो बच्चों, नेजल पैसेज, ठीक है हाँ। उसके बाद क्या आएगा? नेजल चैम्बर, इंटरनल नेयर्स के बाद लिखो, आगे लिखो नेजो फेरिंग्स, क्या आएगा बच्चों? नेजो फेरिंग्स आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखो बच्चों क्या आएगा? ग्लॉटिस आया, ग्लॉटिस मतलब ओपनिंग आया। उसके बाद क्या आया बच्चों? ट्रैकिया आया, फटाफट से लिख लो ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आएगा बच्चों? लिखो प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद बच्चों क्या आएगा? लिखो सेकेंडरी ब्रोंकाई,
स्ट्री को बना लेना, आपसे पाथवे पूछ सकता है। उसके लिखो बच्चों टर्सरी ब्रोंकाई, उसके लिखो बच्चों ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में भी फिर तीन है, ठीक है, कौन कौन सा, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, आराम से लिख लेना आप लोग। उसके बच्चों क्या आएगा, एल्वुलर डक्ट, उसके बच्चों आएगा एल्वुलर डक्ट। एल्वुलर डक्ट के बाद लिखो बच्चों क्या आएगा, एट्रिया, थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट एट्रिया होता है। एट्रिया के बाद क्या आएगा बच्चों, एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक। और लास्ट बच्चों क्या आएगा, वेरी गुड, लास्ट में बच्चों आएगा एल्वुलाई, लास्ट में क्या आएगा बच्चों, एल्वुलाई आएगा बच्चों। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। तो इस तरह से बच्चों डिवीजन होता है, वेलकम वीकेंस। इस तरह से बच्चों रेस्पिरेटरी ट्री डिवाइड होता है, तो इसको लिख लोगे। ये बच्चों पाथवे है, किसका, एयर का पाथवे आपको आना चाहिए। नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज आएगा, नेजल पैसेज नेजल चैम्बर आएगा, और इस तरह से बच्चों आपको सीक्वेंस आना चाहिए। चलो, तो इंटरनल लेयर्स कितने होते हैं, दो होता है, ठीक है। मैं बताया ना आपको पांच चीज का ओपनिंग होता है टोटल। नेजल फेरिंग्स क्या बच्चों, नेजल फेरिंग्स पाथवे किसका, कॉमन पाथवे फूड और एयर का, ठीक है, फेरिंग्स, सॉरी कॉमन पाथवे, उसका एक पार्ट है नेजल फेरिंग्स। चलो बच्चों इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको, फिर मैं आगे दिखाता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो मैं बच्चों क्या बोला, मैं आपको बोला कि 23 जनरेशन है बच्चों, 23 जनरेशन में शुरू का 16 और बाद का 7, ये इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है इसको। चलो आगे डायग्राम को देखते हैं पहले। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरा ब्रोंकस डिवाइड किया और छोटे 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 डिवीजन के बाद अंतिम में क्या बन रहा है, अंतिम में बच्चों गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एल्वुलाई, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वुलाई, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट दिस लंग, तो बेसिकली लेफ्ट लंग और राइट लंग, दो लंग है। अब बात करेंगे बच्चों राइट लंग की, तो याद रखना बच्चों राइट लंग हैज गॉट 3 लोब और लेफ्ट लंग हैज गॉट 2 लोब। तो बच्चों एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर लेना, लेफ्ट लंग में 2 लोब होता है, राइट लंग में 3 लोब होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। नाउ बेसिकली लंग्स के चारों तरफ बच्चों वी हैव गॉट अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, दिख रहा है आपको एक लेयर और फिर बाहर है बच्चों एक और लेयर, तो बेसिकली 2 लेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरे के पूरे लंग्स के चारों तरफ है। और दिस इज कॉल बच्चों, दिस इज कॉल, बताओ ये क्या बच्चों, ये मेरा प्लूरल मेम्ब्रेन, ये बच्चों क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, एंड प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों पानी भरा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। बच्चों दिस इज द प्लूरल फ्लूइड, फंक्शन क्या बच्चों, सेम फंक्शन लिख लेना, फ्रिक्शन को डिक्रीज करेगा, लंग बेसिकली क्या होगा जिंदगी भर एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और दूसरा लिखना बच्चों कहीं ना कहीं ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करेगा। जब अभी आप कार चला रहे होगे तो कार के बोनेट से टकराओगे या कुछ भी सपोज करो उसके, तो उसके कहीं ना कहीं आपके लंग्स तक प्रेशर को और फोर्स को डिक्रीज करेगा। तो बच्चों याद रखना फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा और शॉक एब्जॉर्बर है बच्चों। ना ये ब्रोंक्यूल से छोटे छोटे ब्रोंक्यूल दिख रहे बच्चों, ये क्या है, कट एंड ऑफ रिब। डायग्राम कैसे बनाए हम लोग, सिंपल द कॉन्सेप्ट है, जब किसी आदमी को आप खड़ा करोगे तो क्या उसका रिब डायरेक्टली दिखेगा, क्या लंग्स दिखेगा, क्या नो, क्या दिखेगा यहाँ पर, रिब्स दिखेगा। तो बेसिकली हमने बच्चों रिब्स को कट करके हटाया है ऊपर से, तो ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है कट एंड ऑफ रिब्स दोनों साइड में, ठीक है बच्चों। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड डायफ्राम, तो वी हैव गॉट डोम शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। तो बच्चों डायफ्राम क्या कर रहा है बच्चों, याद रखना डायफ्राम बेसिकली डिवाइड कर रहा है किसको, थोरेसिक कैविटी को, किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। तो थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच वी हैव गॉट अ डोम लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। ओके बच्चों, गुंबद की तरह दिख रहा है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ के सुनाता हूँ। चलो तो देखो एनसीईआरटी क्या लिखता है, एनसीईआरटी ये लिखता है कि ट्रैकिया डिवाइड किया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, ओके, एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इनटू वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नीट में डायरेक्टली आएगा कि पूछेगा आपको कि इनकम्प्लीट रिंग कहां से कहां मिलेगा। आंसर क्या जाएगा बच्चों, ट्रैकिया से शुरू हुआ और ट्रैकिया से कहां तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। तो बच्चों एनसीईआरटी ने इनिशियल ब्रोंक्यूल्स लिखा है, इसने मेंशन नहीं किया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो जब भी नीट में क्वेश्चन आएगा, हेलो अभिजा, हेलो वेलकम अभिजा, चलो अभिषेक कहां से हो बाबू, चलो तो क्या बोला है बच्चों, आपको याद रखना होगा कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीट रिंग है। फंक्शन क्या बता दिया मैं आपको, इनकम्प्लीट क्यों है, बिकॉज टू सपोर्ट एक्सपेंशन ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन। और रिंग क्यों है, रिंग है टू अवॉइड कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया एंड रेस्पिरेटरी ट्री। चलो नाउ ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद वो लोग क्या देगा, छोटा छोटा बच्चों इंपॉर्टेंट है, इरेगुलर वाल्ड, इरेगुलर क्यों, बेसिकली इसका शेप इरेगुलर होता है। वैस्कुलराइज क्यों, क्योंकि इसके जस्ट नीचे क्या होता है बच्चों, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। बैग लाइक क्यों, क्योंकि बेसिकली बैग लाइक स्ट्रक्चर है एंड दैट इज कॉल्ड एल्वुलाई। नाउ ये बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द ब्रांचिंग ऑफ द नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइजेस द लंग। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आपका ट्रैकिया डिवाइड किया, फिर और डिवाइड किया, फिर और डिवाइड किया, फिर और डिवाइड किया, एंड सो ऑन, अंतिम में क्या बना, एल्वुलाई बना। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर हम लोग इस सब के सब को एक बक्सा में बंद कर देंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, हम लोग को दिखेगा कि यस यही तो क्या है, हमारा लंग है। तो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइजेस द लंग। ओके वेलकम अभिजा, बच्चों दैट कंप्राइजेस द लंग। नाउ वी हैव गॉट डबल लेयर्ड प्लूरा, जिसमें प्लूरल फ्लूड होता है, ये फ्रिक्शन घटाता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होगा बच्चों, क्लोज टू द थोरेसिक कैविटी, सिंपल द कॉन्सेप्ट है। जो हमारा थोरेसिक कैविटी उसके बच्चों क्या होगा, क्लोज कॉन्टेक्ट में होगा, समझ रहे हो ना, इमेजिन कर पा रहे हो।
ओके, जो भी हमारा थोरेसिक कैविटी उसके क्लोज कांटेक्ट में होगा, बट बात करेंगे हम लोग इनर वाले की, तो इनर वाला बच्चों क्या होगा, इनर वाला कहीं ना कहीं क्लोज कांटेक्ट में होगा, किसके, इनर वाला कांटेक्ट में होगा लंग्स के, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्लूरल मेम्ब्रेन बेसिकली दो है हम लोग का, एक बाहर वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बाहर वाला इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरा, बाहर वाला इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाला क्या बच्चों, अंदर वाला है वेस्ट्रल प्लूरा। तो आपसे पूछेगा, तो बाहर वाला जो पैराइटल बच्चों किससे कॉन्टेक्ट में है, ये कॉन्टेक्ट में कहीं ना कहीं किसके, ये कॉन्टेक्ट है बच्चों विद द, बाहर वाला किसके, थॉरेक्स के कॉन्टेक्ट में, ठीक है। और जब बात करेंगे इनर वाला, इनर वाला किसे बच्चों, लंग सरफेस के कॉन्टेक्ट में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे देखते हैं। नौ, अब देखो वही चीज लिखा हुआ जो मैंने बताया, क्या बोला मैं बच्चों, थाइस के अंदर शुरुआत का 16 और बाद का 7, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों हम लोग देखते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग पार्ट जो क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियस तक, ये क्या करता है बच्चों, कंडक्टिंग पार्ट है। तो स्टार्टिंग का बच्चों कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक है, तो स्टार्टिंग का कंडक्टिंग पार्ट है हमारा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो हम लोग का नाक का ओपनिंग है बच्चों, वहां से टर्मिनल ब्रोंकियस तक, बच्चों याद रख लो इसको। और अब बात करेंगे एल्वुलाई और उसके डक्ट्स, बाकी जो 7 है बच्चों वो क्या है, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। चलो तो फंक्शन किसका किसका देखते हैं, तो बच्चों ये जो कंडक्टिंग पार्ट है इसका क्या काम है, इसका काम है गैस एक्सचेंज करना, नहीं है, तो ये करेगा क्या, तो कंडक्टिंग पार्ट का सीधा सीधा काम है बच्चों के एटमोस्फेयर की एयर को एल्वुलाई तक लाएगा, क्लियर करेगा फॉरेन पार्टिकल्स, क्लियर कैसे करेगा ये भी समझ लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर पूरे के पूरे कंडक्टिंग पार्ट में व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट सीलिया, वी हैव गॉट बच्चों सीलिया, तो सीलिया का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बच्चों सीलिया का काम क्या होता है समझते हैं, ये जो सीलिया बच्चों ये क्या करता है, कंटिन्यू एक डायरेक्शन में बीट करता है, कंटिन्यू बच्चों एक डायरेक्शन में बीट करता है, क्यों बीट करता है, सो दैट की, सो दैट की जो भी गंदगी या जो भी कचरा है, जो भी म्यूकस है, सबके सबको कहां फेंक सके, वो नेजोफेरिंग तक, और नेजोफेरिंग से फेंक के हम लोग पहुंचा क्या करेंगे, उसको फाइनली हम लोग एक्सपेल आउट कर सकेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंटिन्यू सीलिया क्या करता है, मेरे स्क्रीन पर देखो, कंटिन्यू सीलिया इस तरह से बीट करते रहता है, और बीट करके क्या करता है, जो भी रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर जो भी कचरा सब्सटेंस है, जो भी म्यूकस व्यूकस है, जो भी गंदगी फॉरेन पार्टिकल है, उसको वर्टिकली कंटिन्यू बच्चों ये सीलिया क्या करता है, ये सीलिया कंटिन्यू नेजोफेरिंग्स की तरफ बच्चों इसको फेंकते रहता है। ओके दैट्स क्लियर बच्चों, नेजोफेरिंग्स की तरफ कंटिन्यू इसको फेंकते रहता है। अब बच्चों याद रखना सीलिया जो बना होता है, बच्चों याद करना सीलिया बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ डायनिन प्रोटीन बच्चों, ये पूछ सकता है, इट इज मेड अप ऑफ डायनिन प्रोटीन। ओके, इस तरह से कंटिन्यू क्या करता है, नेजोफेरिंग्स तक सामान को भेजता है, सो दैट कि हम लोग एक्सपेल कर सके। ओके चलो आगे देखते हैं, तो ये क्लियर हो गया इस तरह से फॉरेन पार्टिकल से, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो बच्चों कहीं ना कहीं ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है इस रास्ते में, और कहीं ना कहीं जो भी सपोज कर बाहर गर्म हवा है, उस हवा को हम लोग कहीं ना कहीं नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आते हैं इस ट्री के थ्रू। ना बच्चों आपसे जो वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, तो बच्चों स्टार्टिंग का जो 16 पार्ट आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग का जो 16 पार्ट दिख रहा है, उसके अंदर बच्चों पूछेगा आपसे कौन सा एपिथेलियम होता है, लिखना बच्चों PSCCGE, उसके अंदर बच्चों एपिथेलियम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, स्यूडो, पी फॉर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, लिखते चलो, कॉलमनर सीलिएटेड ग्लोबुलर, ग्लोबुलर से अच्छा लिखो ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बच्चों, ठीक है। तो दिस इज द एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री का स्टार्टिंग का 16 पार्ट बच्चों, ठीक है, ये बच्चों आपको याद रखना होगा, डिटो PSCCGE होता है, देखो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, इसके अंदर कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, कॉलमनर है क्योंकि बेसिकली कॉलमनर सेल्स से बना हुआ है, सीलेटेड है क्योंकि इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर है क्योंकि इसके अंदर बच्चों कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं बच्चों, म्यूकस रिलीज करते हैं, ये ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस चिपचिपा बनाते हैं, और अंतिम में क्या बच्चों एपिथेलियम का लेयर बच्चों। तो आपको इतने पॉइंट्स याद रखने ही होंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों बात करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट की, तो देखो सेकंड पार्ट क्या है मेरा, एक्सचेंज पार्ट, एक्सचेंज पार्ट क्या है, आगे का 7 वाला, ये क्या है, ये है साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड के बीच एक्चुअली O2 CO2 एक्सचेंज इसी पार्ट से होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको आना चाहिए। ओके बच्चों नीचे में लिखा हुआ है कि हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है बच्चों, इसके अंदर जो लंग्स प्रेजेंट होता है, ये क्या है, ये एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर, एयर टाइट चैम्बर का मतलब बेसिकली इसके अंदर से एयर एनाटॉमिकली लीक नहीं होता, हालांकि लीक होता है बट एनाटॉमिकली ये एयर टाइट चैम्बर है। कहने का मतलब क्या होगा, बात करेंगे थोरेसिक चैम्बर कैसे बनता है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, देखो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो थोरेसिक कैविटी कैसे बनेगा, तो कोई भी आदमी जब खड़ा है तो उसके पीछे में क्या है बच्चों, पीछे में है वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली डॉर्सली का मतलब पीछे, तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, बीचों बीच क्या बच्चों स्टर्नम, स्टर्नम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, याद करना पता होगा। नाउ लैटरली बाय द रिब्स, तो बच्चों लैटरली क्या है, लैटरली वी हैव गॉट रिब्स, ठीक है, रिब्स वगैरह मैं पढ़ाऊंगा वहां पर। पीछे बच्चों क्या है, पीछे पीछे थोड़ा मैं डॉट डॉट करके बना देता हूं, पीछे क्या है बच्चों, पीछे वी हैव गॉट वर्टिब्रा, ठीक है, पीछे वी हैव गॉट वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम। ओके एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम, बच्चों नीचे में क्या है, डोम शेप डायफ्राम, तो बच्चे याद रखना ऊपर में कुछ ऐसा नहीं है, ऊपर में थोरेसिक चैम्बर के ऐसा कोई स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा थोरेसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर है। ना बच्चों याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, एनाटॉमिकल सेटअप हमारे लंग्स का ऐसा है थोरेक्स में कि कोई भी चेंज हो किसमें, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी में, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा किसमें, लंग या पल्मोनरी कैविटी में। ऐसा क्यों करना पड़ा बच्चों, मैं क्या बोला, देखो बेसिकली हम लोग का जो लंग्स है बच्चों, ये हम लोग का लंग्स ऑटोमेटिकली फैलता पचकता नहीं है,
ये कैसे फैलेगा बचेगा? बेसिकली इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं या इसके नीचे जो बच्चों स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, या इसके लेटरली जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो बच्चों ये सब स्ट्रक्चर्स अगर ऊपर पीछे होंगे कहीं तभी जाके हम लोग का लंग्स जो है वो कहीं ना कहीं फैलेगा या पचकेगा। मतलब हम लोग के लंग्स के अंदर डायरेक्टली एविटी नहीं है, हम लोग के पावर नहीं है इंसान के पास कि हम लोग डायरेक्टली क्या कर सके, अल्टर कर सके इसको पल्मोनरी वॉल्यूम को। पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग के वॉल्यूम का। तो बेसिकली लंग के वॉल्यूम को हम लोग अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग को कहीं ना कहीं थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को अल्टर करना पड़ेगा। और अगर हम लोग थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को अल्टर करेंगे तो ये डायरेक्टली कहाँ रिफ्लेक्ट होगा बच्चों? ये रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी कैविटी में। रिफ्लेक्ट करने का मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा कहाँ दिखेगा? पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में, क्योंकि हम लोग इंसान के अंदर पल्मोनरी कैविटी या पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग अगर सोचो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, रिब्स अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा? लंग्स को फैलने का मौका मिलेगा। डायफ्राम सपोज करो ऐसे है और ऐसे से ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा? लंग्स को नीचे फैलने का मौका मिलेगा। दैट्स व्हाई लंग्स को हम लोग डायरेक्टली नहीं फैला सकते। लंग्स को फैलाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग को थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज इंसान कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। बच्चों नीट 2020 का ये लाइन है, ठीक है, डिटो ये लाइन उठ के आना चाहिए सर, ठीक है, ध्यान रख लोगे। नाउ ब्रीथिंग के स्टेप्स की बात करेंगे बच्चों, तो ब्रीथिंग के स्टेप्स कुछ इस तरह दे रखे हैं, तो बकवास चीज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले करेंगे ब्रीथिंग, इसको हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता दिया सर, वीडियो लैग किया है, वीडियो लैग कर रहा है क्या बताना कोई? बाबू वीडियो लैग कर रहा है कोई? कंफर्म करो कहीं पर लैग कर रहा बताना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं। तो सिंपल था बच्चों, ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें कि हम लोग एटमोस्फेरिक एयर को लिए और CO2 को भेजे कहां से? एल्वियोलाई से, बाहर बॉडी से। नाउ अगला क्या बच्चों? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो गैस का बच्चों डिफ्यूजन होगा, गैस का डिफ्यूजन होगा कहां पर? एल्वियोलाई के अक्रॉस, पढ़ेंगे आगे जाके। नाउ अगला बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। तो बच्चों जब गैस डिफ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा? इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है बच्चों और जो प्लाज्मा, ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, किसके बीच? इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? ट्रांसपोर्ट के बाद डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ब्लड और टिश्यूज के बीच O2 CO2। बाबू किसी को लैग और किया बताओ जल्दी से, कंफर्म करो लैग किया था किसी को? तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, चलो मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्या बोला मैं ऊपर देखो? हम लोग डायरेक्टली अपने लंग्स के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इंसान डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को? इसके लिए हम लोग को थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। चलो ना बच्चों अगला स्टेप क्या है? O2 और CO2 का डिफ्यूजन होना, ठीक है, और अंतिम में क्या होगा बच्चों? O2 को सेल्स यूज करेगा फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जो हम लोग पढ़ेंगे C6H12O6, जो कि 14 नंबर चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ओके चलो, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। तो बच्चों ये स्टेप्स आपको अभी आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा बच्चों। बिल्कुल बच्चों स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि नीट में आपको 5 ऑप्शन देगा और बोलेगा अरेंज करो इसको स्टेप्स वाइज। तो बच्चों ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रख लोगे। चलो नो सर ओके ना बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 9th-10th का बच्चा भी जानता है, तो यार इधर तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है। तो बच्चों इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें सिंपल द कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसमें सिंपल द कॉन्सेप्ट है कि हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ना, कोई भी सांस और ले और छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए बच्चों क्या काम करता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो बच्चों याद रखना, बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ होता है प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये पता होगा आप लोगों को। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा एंड सो ऑन, वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं देखते हैं। तो देखो मूवमेंट ऑफ एयर की बात करेंगे, तो मूवमेंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर और बाहर होता है बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमोस्फेयर। तो लंग्स और एटमोस्फेयर के बीच हम लोग एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, हाई या लो का, जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। नाउ इंस्पिरेशन की बात करेंगे, तो इंस्पिरेशन कब होगा? जब हमारे लंग्स के अंदर क्या हो बच्चों? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो? लेस देन हो किससे? एटमोस्फेयर प्रेशर से। सिंपल द कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज मूव कहां करता है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो सिंपल सा है, इंस्पिरेशन के टाइम में हम लोग को अपने लंग्स के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रा का मतलब विद इन और पल्मोनरी का मतलब लंग्स। तो लंग्स के अंदर हम लोग को प्रेशर क्या करना होगा? लेस रखना होगा। दैट इज कॉल्ड देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमोस्फेयर प्रेशर। सिमिलरली हम लोग सांस कब छोड़ पाएंगे? जब हम लोग का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हायर हो किससे? एटमोस्फेयर प्रेशर से। तो सांस तब छोड़ेंगे जब ये प्रेशर लंग्स का ज्यादा हो और बाहर वाला कम हो, सेम कॉन्सेप्ट है। नो ऐसा हम लोग कैसे कर पाते हैं? तो इसको बच्चों करने के लिए व्हाट वी हैव गॉट सम स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले वी हैव गॉट एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो समझते हैं, तो बेसिकली बच्चों मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। चलो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ओके चलिए मैं डायरेक्ट डायग्राम पढ़ाता हूँ, ठीक है, चलो देखते हैं। तो बच्चों देखो दो प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। दो प्रोसेस है बच्चों, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, दोनों को मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सपायरेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम, अच्छा वो तो छोड़ दूसरा है। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे इंस्पिरेशन की। तो इंस्पिरेशन कैसे होगा देखते हैं। तो इंस्पिरेशन करने के लिए बच्चों हम लोग करते हैं क्या, दो काम करते हैं। पहले समझते हैं। तो देखो सपोज कोई आदमी है और ये आदमी का बीचों बीच बोन है, कौन सा? स्टर्नम बोन है।
बेसिकली वी हैव गॉट रिब्स, वी हैव गॉट रिब्स, और रिब्स के पीछे क्या बच्चों, वी हैव गॉट आवर लंग्स। तो ये बच्चों लंग्स है, ये बच्चों लेफ्ट लंग और राइट लंग है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों, हम लोग को करना क्या, हम लोग को सांस लेना है। तो कोई भी एयर अंदर तब आएगा जब अंदर का क्या हो बच्चों, अंदर का प्रेशर कम हो। प्रेशर कम का मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो। तो वॉल्यूम ज्यादा करने का हमारे पास दो तरीका है, नॉर्मली दो तरीका क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला चीज कि डायफ्राम मेरा, देखो डायफ्राम नॉर्मल स्टेट में ऐसे प्रेजेंट होता है डोम से। तो पहला कंडीशन क्या है बच्चों, डायफ्राम को हम लोग क्या कर दे, कॉन्ट्रैक्ट कर दे। तो बच्चों जैसे ही डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली हम लोग को बचपन में क्या लगता था, मेरे को लगता था कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और ऐसे हो जाएगा। नो बच्चों, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये ज्यादा मुड़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। बच्चों ये देखो इस तरह का हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ खुद सोचो, अगर डायफ्राम ऐसे से ऐसे हो गया तो क्या हो गया, ये वाला जो मेरा वॉल्यूम बच्चों, ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया। अरे बढ़ गया ना बच्चों, ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया। तो देखो वॉल्यूम बढ़ गया, चलो आगे देखते हैं। नाउ बच्चों वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड कोस्टल मसल्स। तो बच्चों कोस्टल मसल्स क्या होते हैं समझते हैं। कोस्टल मसल बच्चों ये जो आपको रिब्स दिख रहा है, इस रिब्स के अंदर बच्चों फंसे हुए होते हैं क्या, कोस्टल मसल। कोस्टल का मतलब रिब्स, और रिब्स के बीच के मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोस्टल मसल्स। ये दो तरह के होते हैं, क्या क्या, एक्सटर्नल कोस्टल मसल और दूसरा बच्चों इंटरनल कोस्टल मसल। ठीक है बच्चों, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, EICM, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों IICM। ठीक है, दो तरह के होते हैं। चलो नाउ आपको बच्चों एक चीज ध्यान रखना होगा, दो चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज। पहला बच्चों एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का डायरेक्शन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट है इसका MFD। MFD का मतलब मीडियली, F का मतलब फॉरवर्ड, और D का मतलब डाउनवर्ड। तो बच्चों याद रखना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का डायरेक्शन है मीडियली फॉरवर्ड डाउनवर्ड, और जस्ट उल्टा कर देना किसमें, IICM में। तो उल्टा कर दो क्या होगा, तो देखो ये मीडियली तो क्या हो जाएगा बच्चों, लैटरली हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों डाउनवर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड है डाउनवर्ड है तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके बच्चों, और ये हो जाएगा क्या बच्चों, बैकवर्ड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आपको एक याद रखना है, एक याद रखना है किसका, EICM का। क्या ट्रिक बताया मैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट MFD से याद रख लोगे। ठीक है, उल्टा कर लेना उसमें आ जाएगा EICM का। तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों, सिंपल द कॉन्सेप्ट है कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो जब हम लोग सांस ले रहे होते तो क्या होता है, हमारा जो बेसिकली बच्चों रिब्स है, ये रिब्स के अंदर जो कोस्टल मसल, कौन से वाले, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बच्चों, ये क्या करेंगे, ये बच्चों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, देखो ये रिब्स से चिपका हुआ है तो क्या होगा, मेरा देखो मेरा रिब्स आगे बढ़ेगा, मेरा रिब्स बच्चों आगे की तरफ बढ़ेगा। जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखो पहला वॉल्यूम क्यों बढ़ा था, डायफ्राम के कॉन्ट्रेक्शन से, और दूसरा वॉल्यूम क्यों बढ़ा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रेक्शन से। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम दोनों चीज से बढ़ा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा, और प्रेशर इतना घट जाएगा कि अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, बाहर के प्रेशर से कम हो जाए। तो देखो एयर क्या हो रहा है बच्चों, अंदर आ रहा है। ठीक है, एयर अंदर आ रहा है। देखो क्या लिखा वनसाइड में, रिब्स एंड स्टर्नम रेज, रिब्स उठा, स्टर्नम उठा, छाती के पास जो हड्डी है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉल्यूम ऑफ फिर से भी बढ़ा, और अल्टीमेटली क्या बच्चों, हम लोग का सांस अंदर आ गया बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन। ठीक है, नाउ सिंपल द कॉन्सेप्ट बच्चों, हम लोग का इंस्पिरेशन कितने देर का होगा, तो इंस्पिरेशन बच्चों होता है 2 सेकंड का। इंस्पिरेशन की बच्चों बात करेंगे तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, इंस्पिरेशन की बच्चों बात करेंगे तो व्हाट वी हैव गॉट, इंस्पिरेशन इज ऑफ 2 सेकंड, और एक्सपायरेशन कितने सेकंड बच्चों, 3 सेकंड का होता है। इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, इंस्पिरेशन बच्चों एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सपायरेशन क्या बच्चों, पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव पैसिव क्यों बोलते समझते हैं, देखो इंस्पिरेशन करने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ा, हम लोग के बॉडी के जो डायफ्राम है, और हम लोग के बॉडी के जो बच्चों रिब्स के बीच मसल्स है, कोस्टल मसल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, उसको क्या करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो बॉडी क्या है कि पार्टिसिपेट किया, बॉडी का पार्टिसिपेशन दैट इज कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस। बट एक्सपायरेशन में क्या होता है बच्चों समझते हैं, क्या बोला मैं आपको, देखो डायफ्राम मेरा ऐसे से ऐसे हुआ, डायफ्राम मेरा क्या हुआ बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर मेरा ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया, ये वॉल्यूम पहले ऐसा था, अब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया। तो बेसिकली एक्स, तो एक्स डैश हो गया। अब बच्चों क्या हुआ, रिलैक्सेशन के टाइम डायफ्राम मेरा वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, डायफ्राम जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, वापस से जो डिस्टेंस है बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो देखो बॉडी के अंदर जो डायफ्राम है वापस से क्या करेगा, सॉरी बच्चों मैं रिलैक्स बोलना था, गलती से कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, डायफ्राम बच्चों रिलैक्स कर गया, रिलैक्स करने से क्या हो गया, डायफ्राम वापस से डोम शेप का हो गया, और डोम शेप का हो गया तो क्या होगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम मेरा घट गया, वॉल्यूम घटा तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। नाउ स्टेप नंबर टू, जो बच्चों एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये क्या कर देंगे बच्चों, ये अभी तक कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो क्या कर गए थे, ये कहीं ना कहीं बाहर खींच के ले गए थे, किसको, हमारे लंग्स को। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगा, जैसे रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, जो रिब्स मेरा बाहर गया था, तो रिब्स बाहर गया तो क्या हुआ था, इसका फायदा लंग्स उठाया था, लंग्स भी धीरे धीरे बाहर चला गया था अपने आप। बट अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, वेरी गुड, रिब्स बच्चों क्या करेगा, रिब्स मूव बैकवर्ड। तो बच्चों रिब्स बैकवर्ड मूव करेगा तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो प्रेशर यहाँ भी बढ़ रहा है, प्रेशर यहाँ भी बढ़ रहा है, और प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि अंदर में जो बच्चों प्रेशर है वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, किसके, बाहर प्रेशर से। तो क्या हो जाएगा, एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। बच्चों ये सब क्लास 9-10 में पढ़े हो, किसी को डाउट हो तो बोलना। इस तरह से बच्चों हम लोग एक एक्सपेल्ड हो जाएगा एयर, बच्चों हम लोग का एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। क्यों हुआ, देखो दो काम हुआ यहाँ पर, रिब्स और स्टर्नम अपने वापस पोजिशन पे गया, डायफ्राम रिलैक्स किया, और क्या किया, आर्च टू अपवर्ड, ये वापस से क्या हो गया बच्चों, डोम शेप का हो गया।
क्या क्या देखो, वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बच्चों बढ़ गया। बॉयज लो क्या होता है, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स होता है। इस तरह से बच्चों हम लोग का सांस बाहर चला गया, दैट इज द कॉन्सेप्ट बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम लोग सांस बाहर लिए। बट बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, हम लोग पढ़ रहे हैं 360 out of 360 के लिए। तो इतने से बच्चों काम नहीं चलेगा। तो अब एडिशनल पॉइंट सुनना शुरू कर दो, एडिशनल पॉइंट बच्चों सुनना शुरू करो, लिखना शुरू करो। चलो तो मेरे को ये जगह सही मिला लिखने के लिए, तो बच्चों हम लोग एडिशनल पॉइंट लिखते हैं जो कि आपको आना चाहिए। बच्चों समझते हैं ना, प्लीज एंड प्लीज फोकस करना। देखो होता क्या है, होता क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड, हाँ यार तुम लोग हो ना, हाँ बच्चों समझते हैं। ये सपोज करो कि आपका लंग्स है, ओके ओके वेरी गुड। और ये सपोज करो बच्चों कि आपका प्लूरल कैविटी, ये सपोज करो बच्चों आपका प्लूरल कैविटी, ये बच्चों प्लूरल कैविटी। तो पता है आपको बच्चों प्लूरल कैविटी के अंदर कितना प्रेशर होता है, वेरी गुड। तो बच्चों इसके अंदर जो प्रेशर होता है हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर बोलते हैं हम लोग इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो नीट में यहाँ से 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमेशा हमारा निगेटिव होता है, क्यों? तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर निगेटिव होता है क्यों पर समझते हैं, मैं सबको समझाता हूँ। इंट्रा प्लूरल प्रेशर मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब विद इन, प्लूरल प्रेशर का मतलब प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेशर, ये क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। तो पहले निगेटिव क्यों होता है समझते हैं बच्चों। तो देखो समझते हैं, तो बच्चों क्या बोला मैं, ये क्या मेरा पैराइटल प्लूरा, ये क्या बच्चों मेरा विसरल प्लूरा। तो देखो पैराइटल प्लूरा को बच्चों याद रखना, बच्चों पैराइटल प्लूरा को चेस्ट वाल अपनी तरफ घिसता है, चेस्ट वाल अपनी तरफ घिसता है, ठीक है, वेरी गुड। और ये जो बच्चों विसरल प्लूरा है इसको क्या करता है बच्चों, इसको लंग्स अपनी तरफ घिसते रहता है, ये लंग्स चिपका होता है अपनी तरफ घिसते रहता है। तो क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, अल्टीमेटली बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन नीट में पूछता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर का वैल्यू कितना होता है। बच्चों याद रखना, ऐड करते जाओ फटाफट, यहाँ से बच्चों बहुत शानदार चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से शानदार चीज पढ़ने वाले। वेरी गुड आंसर श्रुति प्रिया, आंसर सही आपका बाबू। चलो बच्चों श्रुति आप उस आंसर को चेंज कर लो, ठीक है, उस आंसर को वो रेंज है, आपको एग्जैक्ट आंसर देना है। अब हम लोग एग्जैक्ट आंसर देंगे बच्चों, याद रखना रेस्टिंग टाइम में, सभी बच्चे आंसर चेंज कर लेना अगर पहले से कुछ लिखे हो गए। तो बच्चों याद रखना रेस्टिंग के टाइम में इंट्रा प्लूरल प्रेशर का वैल्यू होता है, लिखो -2.5 mmHg, -2.5 mmHg। तो मरकरी के फॉर्म में पूछा गया था -2.5, बट सपोज करो कभी कभी नीट वाले क्या करते हैं, कभी कभी वो मरकरी की जगह पूछते हैं सेंटीमीटर ऑफ वाटर यूनिट में, आंसर क्या जाएगा -3.4 cm of वाटर। तो याद रखना बच्चों इंट्रा प्लूरल प्रेशर रेस्ट के टाइम में, जब आदमी रेस्ट में होता है उस समय निगेटिव होता है, -2.5 and -3.5 cm ऑफ वाटर। इस यूनिट को आपको ध्यान रखना बच्चों, 1 mm ऑफ मरकरी क्या होता है, ये होता है 1.3 cm ऑफ वाटर के इक्वल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रख सको तो ठीक है, बाकी आपको इससे मत होना चाहिए। अब निगेटिव होने का फायदा क्या हुआ समझते हैं, निगेटिव होने का फायदा क्या हुआ बच्चों, देखो निगेटिव होने का फायदा ये हुआ कि अंदर में निगेटिव प्रेशर से क्या फायदा होगा, इससे यही फायदा होगा, यस। अगर सपोज करो ये पॉजिटिव होता, सपोज तो पॉजिटिव, तो क्या होता, ये कंटिन्यू अंदर की तरफ दबता, कंटिन्यू क्या होता अंदर की तरफ प्रेशर पड़ता, तो क्या होता लंग्स मेरा कॉलेप्स कर जाता, वेरी गुड, समझ में आया। क्वेश्चन नीट का था, देखो नीट का क्वेश्चन क्या था, हम लोग का लंग्स सांस लेने के बीच में पचकता नहीं है, या हम लोग का लंग्स कॉलेप्स नहीं करता जनरली, क्यों, इसके अंदर क्या गया था, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो जो नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर बच्चों, नेगेटिव वैल्यू, ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये अवॉइड कर रहा है, या बच्चों ये प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, कॉलेप्स ऑफ लंग को बच्चों, कॉलेप्स ऑफ लंग को बिटवीन टू रेस्पायरेशन। तो बच्चों दो बार सांस लेने के बीच कहीं ना कहीं आपके लंग्स के कॉलेप्स को अवॉइड कर रहा है बच्चों, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये बच्चों कहीं ना कहीं आपके लंग्स के कॉलेप्स को बचा रहा है, ओके बच्चों, ठीक है। चलो ना बच्चों इंट्रा प्लूरल प्रेशर निगेटिव होता है, ओके बच्चों, आपको 2-3 चीज और ध्यान रखना होगा। इंस्पिरेशन के टाइम में बच्चों समझते हैं, इंस्पिरेशन के टाइम में, अभी क्या बोला मैं, बॉयज लो क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनल है, अब खुद बताओ, अभी जस्ट पढ़ाया हूं मैं। इंस्पिरेशन के टाइम में बच्चों क्या होता है, हम लोग का वॉल्यूम अंदर का क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वेरी गुड, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा, घटेगा ना, वेरी गुड। तो लिखो बच्चों इंस्पिरेशन के टाइम में वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होगा बच्चों, इंट्रा प्लूरल प्रेशर भी घट जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, घट के हो जाता है -6 mm ऑफ मरकरी, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। नो बात करेंगे बच्चों एक्सपायरेशन के टाइम में, तो एक्सपायरेशन के टाइम में बच्चों याद रखना, एक्सपायरेशन के टाइम में क्या होता है, वॉल्यूम मेरा घटता है, ओके, तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, प्रेशर बढ़ेगा और इंट्रा प्लूरल प्रेशर भी बढ़ेगा, याद रखना बच्चों, बढ़ के क्या हो जाएगा, वेरी गुड, वापस से -2.5 mm मरकरी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो -2.5 से -6 होता है कब, इंस्पिरेशन के टाइम में, बट एक्सपायरेशन के टाइम में वापस क्या हो जाएगा, ये वापस -6 से बढ़ जाएगा, तो -6 से -2.5 होना, समझ रहे हो ना, ये माइनस में हम लोग चल रहे हैं, अब माइनस में चल रहे हैं, समझ में आना चाहिए, हाँ, तो -6 से -2.5 बढ़ना हुआ, ठीक है, घटना नहीं हुआ, बढ़ना हुआ। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना बच्चों इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम में हमारा इंट्रा प्लूरल प्रेशर भी घटता बढ़ता है, डाटा बच्चों याद करोगे, ये सब अच्छे रैंक के लिए, अगर आपको अंडर 100 रैंक लाना है, आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है नीट का, तो उसके लिए बच्चों ये सब चीज होता है, चलो इसको ध्यान रख लोगे बच्चों। नाउ बात करेंगे बच्चों ये कॉन्सेप्ट, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, तो आपको नीट में आंसर देना है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर निगेटिव होता है, व्हाई, टू अवॉइड या प्रोटेक्ट कॉलेप्स ऑफ लंग बिटवीन टू रेस्पिरेशन, दो बार सांस लेने के बीच हम लोग का लंग कॉलेप्स न कर जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं निगेटिव होता है बच्चों, उसके स्क्रीनशॉट लो। चलो मैं आगे देखता हूँ बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगला कॉन्सेप्ट होता है एल्वियोलर प्रेशर।
एल्वुलाई के अंदर जो बच्चों प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एल्वुलर प्रेशर। चलो हम लोग देखते हैं एल्वुलर प्रेशर का वैल्यू लिख लेते हैं। तो बच्चों एल्वुलर प्रेशर का वैल्यू लिखो पहला रेस्टिंग, सब लोग ऐड करते चलना, रेस्टिंग एल्वुलर प्रेशर। तो रेस्टिंग एल्वुलर प्रेशर कितना होता है लिखना बच्चों, जीरो होता है। रेस्टिंग एल्वुलर प्रेशर जीरो होता है। मैं बात करेंगे बच्चों इंस्पायरेशन के टाइम में, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय एल्वुलाई का प्रेशर कितना हो जाता है बच्चों, देखना वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो मेरा बढ़ रहा है। अरे इंस्पायरेशन कब करते हैं हम लोग, जब हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, और क्या होता है बच्चों प्रेशर घटता है। तो याद रखना बच्चों एल्वुलर प्रेशर भी घटेगा उस समय, एल्वुलर प्रेशर भी बच्चों घटता है, और घट कितना हो जाता है बच्चों रखना 2 - 1 mm³/g। बच्चों क्या हो रहा है ये देखो, 0 से -1 mm³/g हो रहा है। बट बच्चों बात करेंगे एक्सपायरेशन के टाइम में, बच्चों बात करेंगे एक्सपायरेशन के टाइम में। तो बच्चों याद रखना एक्सपायरेशन के टाइम में क्या होता है, एक्सपायरेशन के टाइम में वॉल्यूम हमारा घटता है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर देखो सब बढ़ता है, नॉर्मल प्रेशर भी, एटमोस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ता है और एल्वुलर प्रेशर भी बढ़ता है। सॉरी एटमोस्फेरिक में गलती बोल दिया, इंट्राप्यूलर प्रेशर भी बढ़ता है बच्चों। तो देखो एल्वुलर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कितना बच्चों, तो याद रखना बच्चों ये कितना हो गया -1 mm/g हो गया। अरे हो गया ना बच्चों -1 mm/g हो गया है। तो बच्चों याद रखना एक्सपायरेशन के टाइम में क्या हो रहा है, ये बच्चों क्या हो जाएगा वापस से +1 mm/g हो जाएगा, वापस से ये +1 mm/g हो जाता है। ठीक है चलो बच्चों ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। इंस्पायरेशन के टाइम में कितना होता है आपका एल्वुलर प्रेशर -1 mm/g, एक्सपायरेशन के टाइम में कितना होता है +1 mm/g बच्चों। ठीक है ये आपको ध्यान रखना होगा। और बच्चों याद रखना अगला क्वेश्चन एंड ऑफ एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के एंड पे कितना हो जाएगा, याद रखना बच्चों इट विल रिटर्न टू, वेरी गुड, इट विल रिटर्न टू जीरो। देखो बच्चों एक्सपायरेशन के शुरुआत में स्टार्ट ऑफ एक्सपायरेशन में कितना हो गया, ये +1 mm/g हो गया, बट एंड ऑफ इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन में क्या होता है रिटर्न टू 0 mm/mercury बच्चों, इंपॉर्टेंट है। एक बार कंफर्म कर दो मेरे को, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, सब लोग कंफर्म कर दो समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। बच्चों तीसरा प्रेशर होता है जो अच्छे रैंक के लिए पढ़ना है, तीसरा इज कॉल्ड ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बच्चों, तीसरा इज कॉल्ड ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ये बच्चों लास्ट प्रेशर है, इसके बाद मैं प्रेशर नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है, क्योंकि देखो मैं छोड़ नहीं सकता कोई भी क्वेश्चन, नीट में आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, बर्बाद हो जाएंगे ना। बच्चों कंफर्म करो सबको समझ में आ गया ऊपर वाला टॉपिक अभी तक। तो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है समझते हैं। तो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर का मतलब होता है, देखो ट्रांस, ट्रांस का मतलब बिटवीन टू चैम्बर्स की बात कर रहे हैं। तो इसका बच्चों फॉर्मूला होता है एल्वुलर प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है बच्चों, हाँ एल्वुलर प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो कितना एल्वुलर प्रेशर मेरा, देखो एल्वुलर प्रेशर मेरा कितना होता है रेस्ट में, जीरो होता है। तो जीरो माइनस माइनस ऑफ 2.5, तो कितना होगा देखो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो क्या आंसर आ गया, वेरी गुड, +2.5 mm/mercury बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बच्चों नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आने का चांस है, जितने भी वैल्यूज में बताऊं बच्चों इंपॉर्टेंट है आपको आना चाहिए। तो याद रखना बच्चों हमारा, हमारे बॉडी के अंदर ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर कितना होता है +2.5, और ये हमेशा हमेशा क्या होता है ऑलवेज ये पॉजिटिव होता है। बाकी डाटा देखो, बाकी डाटा नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, बट याद रखना ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज एल्वुलर प्रेशर माइनस इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर कितना होता है -2.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, इससे ज्यादा प्रेशर आपसे कोई नहीं पूछता है। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, लिख लिए होगे बच्चों। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ बच्चों हम लोग क्या समझे, हम लोग ये समझे नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, बट बात करेंगे बच्चों देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे गलती क्या करता है एनसीईआरटी, देखते हैं एनसीईआरटी यहाँ पे क्या लिखा। देखो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय, करेक्शन आएगा कभी ना कभी। इंस्पिरेशन कब होता है, देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है which increases the volume of thoracic cavity in anterior posterior। ये बच्चों गलत है, ये गलत है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ नीट में एनसीआरटी एनसीआरटी कहीं सुनता है, तो आपको एनसीआरटी में ही टिक करना है। आप कुछ समझो, कुछ सोचो, देखो डायफ्राम ऐसे से ऐसे हो रहा है तो वॉल्यूम कौन सा बढ़ रहा है, एंटेरियर पोस्टीरियर बढ़ रहा है क्या, नो ये क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सुपेरियर इन्फेरियर, सुपेरियर का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, बेटर क्या होना चाहिए था यहाँ पर, बेटर होना चाहिए था सुपेरियर इन्फेरियर एक्सेस, वेरी गुड, दिस शुड बी द बेटर आंसर। समझ रहे हो ना, डायफ्राम बेटर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायफ्राम देखो मेरे स्क्रीन पर ऐसे था, ऐसे से ऐसे हो गया, तो क्या हो रहा है ऊपर नीचे वाला एक्सिस के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके बट एनसीईआरटी लिख दिया एंट्रोपोस्टीरियर, ठीक है आप यही टिक करना, बट बेटर आंसर क्या जाएगा सुपेरियर इन्फेरियर एक्सिस। नाउ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा, रिब्स को लिफ्ट करेगा ऊपर। अरे सब लोग बताओ कंफर्म हुआ प्रेशर वाला बच्चों टॉपिक, सब लोग कंफर्म करो मेरे को। चलो इससे बच्चों हम लोग का रिब्स मूव करेगा ऊपर एंड स्टर्नम काउजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम, बढ़ा दिया मैं आप लोग को। नाउ अब क्या होगा बच्चों समझते हैं, स्टर्नम जिसे ऊपर गया तो क्या हुआ, इंक्रीज द वॉल्यूम हुआ किसमें, डॉर्सो वेंट्रल बच्चों, ये लाइन सही है, ये एनसीईआरटी सही लिखा है। डॉर्सो का मतलब पीछे और वेंट्रल का मतलब आगे, तो आगे पीछे मेरे स्क्रीन पर देखो, जब मैं सांस ले रहा हूं तो क्या हो रहा है, हम लोग अपने चेस्ट को आगे फेंक रहे हैं, थोरेसिक कैविटी को, वॉल्यूम को डॉर्सो वेंट्रली बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, इससे क्या हो गया, इससे हम लोग का कहीं ना कहीं वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, और इसकी वजह से एटमोस्फेयर का एयर अंदर आ गया। सेम चीज बच्चों नीचे उल्टा लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लेना खुद से। तो उल्टा जब सांस हम लोग छोड़ते हैं क्यों, तो बच्चों कॉन्सेप्ट लिखा हुआ आराम से पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वहां पर भी सेम वही गलती एनसीईआरटी कर दिया है। नाउ बच्चों आगे बात करेंगे, सब लोग कंफर्म कर दो क्लियर हो गया हो तक। चलो
बच्चों अगला सुनो यहाँ पर ना, बात करेंगे बच्चों कहाँ गया, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। हम लोग के पास, इंसान के पास एबिलिटी होता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स ऑफ एब्डोमेन। तो बच्चों पेट में कुछ मसल्स होते हैं, एग्जाम्पल लिखना बच्चों रेक्टस एब्डोमिनस, इसको डायरेक्टली नीट में याद रखना, यही क्वेश्चन अगर आएगा तो यह आएगा रेक्टस एब्डोमिनस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो दो बच्चों याद रख लोगे, ठीक है, हाँ दो आप याद रख लो। तो ये दोनों मसल्स क्या करते हैं बच्चों, बाबा रामदेव देखते हो बेस्ट एग्जांपल है, तो बाबा रामदेव को क्या देखते हो, हमेशा वो पेट को इस तरह से करते हैं, लाइक जंप करते रहता है, लाइक बेली डांसिंग, ऐसा लग रहा है कि बेली डांस कर रहे हैं वो। तो वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ को, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं एडिशनल मसल्स, पेट के मसल्स को यूज करेंगे। मसल का जो नाम रखना रेक्टस एब्डोमिनस एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, हालांकि बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ओब्लिक मसल्स वगैरह होते हैं, बट आपको उतना जानना नहीं है, उतना याद नहीं करना है। अब बच्चों एक और कॉन्सेप्ट लिखना बच्चों, देयर इज समथिंग कॉल्ड फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन इसमें क्या करना बच्चों, हम लोग इसमें हम लोग जोर से सांस को छोड़ रहे हैं, ठीक है, जोर से सांस को छोड़ रहे हैं। तो बच्चों इसको आप लोग ध्यान रख लो, आप सोच समझ जाओगे। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम लोग करते क्या बच्चों, देखो यहाँ पर इसमें हम लोग एक्सटर्नल की जगह यूज करते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और बच्चों याद क्या करते हैं एब्डोमिनल मसल को यूज करते हैं, एब्डोमिनल मसल को। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो देखो मैं सांस छोड़ रहा हूँ, आपके आवाज भी जा रहा हो कान में। जब हम लोग सांस को फोर्सफुली छोड़ रहे हैं बच्चों, तो हम लोग एक्सटर्नल के जगह यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसको बच्चों हम लोग क्या करवा रहे हैं, करना इसको हम लोग करवा रहे हैं क्या बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। इसको हम लोग क्या करवा रहे हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या होगा बच्चों, याद रखना इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने से क्या होता है, वॉल्यूम बच्चों क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, वेरी गुड। और बच्चों एब्डोमिनल मसल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाबा रामदेव वाला एग्जांपल, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब एब्डोमिनल मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम घटेगा तो बच्चों प्रेशर बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर प्रेशर यहाँ भी बढ़ रहा है, प्रेशर यहाँ भी बढ़ रहा है, तो दोनों को तुम कंबाइन कर दो तो क्या हो गया बच्चों, वेरी गुड, प्रेशर अंदर में ज्यादा बढ़ गया। तो प्रेशर जब ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, वेरी गुड, एयर क्या करेगा बच्चों, एयर का हो जाएगा क्या, एक्सपायरेशन, ओके, क्योंकि बाहर में प्रेशर कम हो जाएगा। तो देखो बच्चों फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इसको ऐड कर लेना, एडिशनल पॉइंट है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में पूछेगा बच्चों कौन से मसल्स को यूज करते हैं, आंसर क्या जाएगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। एग्जांपल ये लिख दिया मैंने आपको, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए ना आगे देखते हैं बच्चों, ना बात करेंगे, इंसान 12 से 16 बार सांस लेता है एक मिनट में, और वॉल्यूम ऑफ एयर बेसिकली जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग मेजर करते हैं बाय द मशीन कॉल्ड स्पायरोमीटर। और स्पायरोमीटर बेसिकली क्या है, तो आपको याद रखना बच्चों, क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी आदमी को सर्दी खांसी, किसी भी आदमी को सांस लेने में दिक्कत है, और किसी भी आदमी को दम फूलता है, तो व्हाट इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, आंसर क्या जाएगा बच्चों, वेरी गुड, स्पायरोमेट्री। याद रखना बच्चों स्पायरोमेट्री ऐड कर लो। किसी भी इंसान को सर्दी खांसी बुखार है और सपोज को दम फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पायरोमेट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कंफर्म कर दो। चलो हम लोग देखते हैं अब वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बच्चों, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हम लोग देखते हैं। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, आराम से सुनोगे क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों पहला है टाइडल वॉल्यूम, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, कंफर्म कर दो, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है कुछ, सब लोग कंफर्म कीजिएगा मेरे को, किसी को दिक्कत तो नहीं यहां तक, जल्दी से कंफर्म करो। चलो ठीक है, तो बच्चों रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हम लोग देखते हैं, ओके बच्चों। चलो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी देखते हैं। तो पहला है बच्चों टाइडल वॉल्यूम, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। कब, नॉर्मल रिस्पिरेशन के टाइम में, कितना है बच्चों 500 ml। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 12 से 16 बार सांस ले रहे हैं, तो 12 से 16 को तुम गुना करो कितना से, 500 से, तो क्या आएगा बच्चों 12×5=60, मतलब 6000 से 8000 ml, तो 6000 to 8000 ml क्या है बच्चों हमारा टाइडल वॉल्यूम है, ओके। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्यों बोलते हैं ये भी सुन लो। देखो बच्चों टाइडल क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, टाइड सुन लो, सी में टाइड्स आ रहा है, वेरी गुड। तो जब हम लोग अपने सांस के पैटर्न को बनाते हैं एक पेपर पे, तो हम लोग क्या देखते हैं, 500 सांस लिए, 500 ml छोड़े, लिए फिर छोड़े, तो जब हम लोग इस पैटर्न को बनाते हैं बच्चों, इट लुक्स लाइक अ टाइड। सो टाइडल वॉल्यूम इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स शेप। टाइडल वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप। चलो आगे देखते हैं ना बच्चों, अगला है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एडिशनल हम लोग दम लगा के कितना और सांस ले सकते हैं। तो लिखो क्या लिखा हुआ है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो फोर्सफुल इंस्पायर करके हम लोग एडिशनल कितना वॉल्यूम ले सकते हैं, इसका वैल्यू कितना बच्चों, 2500 से 3000 ml, ओके बच्चों। डाटा आपको याद करने होंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन एक पक्का आता है, और मैं फिर से लिखता हूँ, नीट में क्वेश्चन सियोर फॉर इस टॉपिक से आना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला मैं, देखो नॉर्मली हम लोग सांस लिए, प्योरली, तो दैट इज द एडिशनल वॉल्यूम। तो एडिशनल हम लोग कितना ले सकते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना है, 2500 से 3000। नाउ अगला बच्चों एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन बच्चों, फोर्सफुल। देखो नॉर्मली सांस छोड़े, नॉर्मली कितना छोड़ते हैं हम लोग, नॉर्मली हम लोग 500 छोड़ते हैं बच्चों, नॉर्मली हम लोग 500 छोड़ते हैं,
बट सपोज करो हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग यहाँ पर दम लगा दिए, एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायर की, वो कितना बचो 1000 से 1100। कुछ समझ में आया? यस, समझ में क्या आया? हम लोग ले जा सकते हैं बट छोड़ हम लोग कम सकते हैं। देखो 2500 से 3000 ml हम लोग एडिशनली ले लिए थे नॉर्मल के बाद, 500 तो लिए, उसके अलावा हम लोग 2500 से 3000 और ले लेते हैं। बट बात जब छोड़ने की आती है, सब जाओ बात एक्सपायरेशन की आती है, तो हम लोग छोड़ने के टाइम में बस 1000 से 1100 छोड़ पाते हैं। कुछ समझ में आया क्या? या समझ में यही आया कि हम लोग कितना भी दम लगा दिए लेकिन स्टिल हम लोग के लंग्स में कुछ वॉल्यूम रह गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। चलो तो ये देखो लिखा होगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम 2500 से 3000 ले लिए बट 1100 से 1200 ml छोड़ पाए, ठीक है, लेकिन कितना बच गया? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों आगे समझ में आएगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितना एयर बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। कितना है वैल्यू? 1100 से 1200 ml। बच्चों 1100 से 1200 ml है ना, मैं बात करूंगा आपकी, बात करेंगे बच्चों लंग्स की। तो देखो बच्चों, लंग्स जो होता है हमारा वो लंग्स कोलैप्स नहीं करता है, क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो बच्चों देखो क्या होता है लंग्स के अंदर, व्हाट वी हैव गॉट समथिंग दैट इज कॉल्ड, पहला है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो देखो रेसिड्यूअल वॉल्यूम सपोज करो इसके अंदर प्रेजेंट है, कितना है बच्चों? 1100 से 1200 ml। तो बेसिकली लंग्स के अंदर 1100 से 1200 ml आपके एयर प्रेजेंट है, कब भी, एक्सपायरेशन के बाद भी। तो बच्चों ये क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर रहा है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर रहा है क्या, कोलैप्स ऑफ लंग्स को। तो प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपके एल्वियोलाई के कोलैप्स को कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट कर रहा है, कौन? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम बच्चों बच जाता है, इतना वॉल्यूम रह जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सपोज करो एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, तो उसको कब दबा पाओगे? जब पूरा खाली रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? और सपोज अंदर में कुछ पानी तो रेजिस्ट करेगा ना पचकने से, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1100 से 1200 ml रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो कि रिमेनिंग है लंग्स में इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नाउ बच्चों ये सब वॉल्यूम्स थे, बट अगर हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को जोड़ देंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या? वी गेट पल्मोनरी कैपेसिटीज। और पल्मोनरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैं आप लोगों को, कोई भी पेशेंट आएगा तो हम लोग उस पेशेंट का क्या करते हैं? सबसे पहले स्पायरोमेट्री करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो तो हम देखते हैं हम लोग कैपेसिटीज को। तो पहला है बच्चों इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज, नाम में लिखा हुआ, देखो कैपेसिटी कितना है, तुम्हारा कितना औकात है सांस लेने का। तो देखो क्या बच्चों, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो सिंपल सा बात, देखो एक आदमी सांस छोड़ा, कितना छोड़ा? 500 ml छोड़ा। अब तुमको बोलना है कि तुम बाबू जान लगा दो और तुम सांस लो, तुम कितना सांस ले सकते हो? तो देखो जब वो सांस लेना शुरू करेगा तो क्या करेगा बच्चों? सबसे पहले क्या करेगा वो सांस, जब सांस लेना शुरू करेगा तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? टोटल अब कितना ले सकते हो? कब? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। तो एक सांस वो छोड़ दिया, अब उसको बोले तुम जोर लगा के लो, तो वो क्या लेगा बच्चों? वो लेगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था बच्चों? एडिशनल जो ले सकते हैं हम लोग, कब? एडिशनल एयर हम लोग ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो बच्चों ऐड कर दो, तो 500 को जब ऐड करोगे कितना से बच्चों? IRB से, तो कितना आएगा बच्चों? सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली आएगा आंसर, रखना बच्चों 3000 से 3500 ml। 3000 से 3500 ml बच्चों डाटा इसका आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। चलो मैं सबको सॉल्व करके पहले से रखे हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला बच्चों एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब आप बोलोगे कि आप आदमी को बोलोगे कि चलो आप औकात दिखाओ कि तुम कितना सांस छोड़ सकते हो, कब? नॉर्मल सांस लेने के बाद। तो बोलेंगे तुम सांस लो, देखो सांस में लिया, तो बोलेंगे छोड़ो, तो सांस वो ले रहा है पहले, वेरी गुड। जब सांस लिया उसको छोड़ने बोल रहा है, तो देखो सांस जब लिया तो टीवी तो लिया होगा, 500 ml तो लिया होगा, अब उसको क्या बोल रहे हैं? तो मैक्सिमम कितना छोड़ सकते हो? छोड़ो। तो क्या करेगा बच्चों? वो छोड़ेगा क्या? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को छोड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बच्चों? TV + ERV। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? इसका आंसर करोगे 1500 से 1600 ml आएगा, ठीक है। मैं सब कुछ लिखते चल रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 500 में जोड़ोगे 1100 तो आपको खुद मिलेगा आंसर 1500 से 1600 के आसपास आएगा। चलो दैट इज द बच्चों एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, आगे अगला बच्चों फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। मैं क्या बोला था ऊपर याद करो, ऊपर तो चलो वो गायब हो गया, इंपॉर्टेंट बच्चों फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी क्या होता है? नॉर्मली आपका लंग्स में कितना वॉल्यूम बच जाता है, कब? वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन बच्चों, स्टार लगाने से नीट 2020 में क्वेश्चन डायरेक्टली आने का चांस बनता है। देखो बच्चों फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब किए तब बच गया, वो क्या था? रेसिड्यूअल वॉल्यूम था। तो देखो डिफरेंस क्या है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम में भी क्या है? रेसिड्यूअल वॉल्यूम भी वही वॉल्यूम है जो लंग्स में बचता है, कब? वहां पे था बच्चों फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नॉर्मल एक्सपायरेशन, वर्ड का अंतर है क्या? वहां फोर्सफुल है, यहाँ पर नॉर्मल है। तो देखो सिंपल सा है, आपके लंग्स में कितना सांस बच रहा है नॉर्मल छोड़ने के बाद, तो कितना बच रहा है बताओ? तो ERV तो बच रहा है, ये हम लोग जोड़ लगा के एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो बच रहा है, ये तो हम लोग जोड़ लगा के निकाल सकते थे ना बच्चों? यस, इसको तो हम लोग जोड़ लगा के निकाल सकते थे, ये तो हम लोग को बच रहा है क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मल सांस छोड़ा है, हम लोगों ने जोड़ नहीं लगाया है। और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रेसिड्यूअल वॉल्यूम तो हमेशा हमेशा रह ही जाता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम को आप निकाल ही नहीं सकते हो, रेसिड्यूअल वॉल्यूम को आप निकाल ही नहीं सकते कभी भी सांस छोड़ के, वो तो रहेगा ही बच्चों, दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। चलो आगे देखते हैं,
बच्चों अगला है वाइटल कैपेसिटी। ये क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। हम आदमी को क्या बोले, तुम एक काम करो, तुम पूरा फोर्स एक्सपायरेशन करो, तुम जान लगा दो, तुम जोड़ लगाओ, सांस छोड़ो। तो क्या करेगा बच्चों, वो पहले टीवी छोड़ेगा, फिर क्या करेगा बच्चों, वो छोड़ेगा क्या, ईआरवी छोड़ेगा, वेरी गुड, फिर वो सांस लेगा। अब बोलेंगे कि तुम सांस लो, तुम जितना सांस ले सकते हो। फिर बच्चों क्या करेगा, वो टीवी लेगा, फिर क्या लेगा बच्चों, आईआरवी लेगा। ना फॉर्मूला क्या होता है, जब भी डाटा कॉमन होता है एक को हम लोग काट देते हैं, तो क्या ऐड करो बच्चों, टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। तो बच्चों ये फॉर्मूला है किसका, वाइटल कैपेसिटी का। तो क्या हो बच्चों, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो देखो दोनों डेफिनेशन है, हम बोलेंगे कि तुम कितना सांस ले सकते हो पूरा सांस छोड़ के, ठीक है बच्चों। तो क्या हो बच्चों, ऐड करेंगे ईआरवी को, ऐड करेंगे टीवी को, ऐड करेंगे और आईआरवी को ऐड करेंगे बच्चों, ठीक है ना। बच्चों को ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, वाइटल कैपेसिटी क्या है मेरा, वाइटल कैपेसिटी बच्चों मेरा क्या है, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी है, वेरी गुड। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ईआरवी प्लस आरवी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईआरवी प्लस आरवी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ना देखो बच्चों, न्यूमेरिकल्स नीट में आ सकते हैं, अभी मेरे पास एक्जैक्टली कोई क्वेश्चन नहीं ध्यान में, कभी ना कभी मैं करवा दूंगा, कभी ना कभी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा जहां पर मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा कैसे आता है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक करना मिल जाएगा तो अच्छी बात है, अब आसानी से बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बच्चों वाइटल कैपेसिटी। नाउ इसमें क्या हुआ हम लोग, और अगला डिफरेंस क्या देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन। अब हम लोग आदमी को उल्टा बोले, बोले कि तुम बेटा सांस लो जितना जोर से ले सकते हो और तुम जितना छोड़ सकते हो छोड़ दो। तो सिंपल था, देखो जब वो सांस लिया होगा तो क्या लिया होगा, टीवी लिया होगा, फिर छोड़ा और जोर से लिया होगा तो आयर भी लिया होगा। फिर बोले तुम बेटा छोड़ो, तो पहले वो टीवी छोड़ेगा, फिर क्या छोड़ेगा बच्चों, वो ईआर भी छोड़ेगा। टीवी टीवी कॉमन कट जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, टीवी प्लस आयर भी प्लस ईआर भी। देखो फॉर्मूला बच्चों कॉन्स्टेंट है, तो दोनों कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, तुम जितना जान लगा के ले सकते हो मैक्सिमम छोड़ने के बाद, या तो मैक्सिमम कितना छोड़ सकते हो मैक्सिमम लेने के बाद, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। बच्चों याद रखना, बैलून को अगर हम लोग फुलाते हैं, बच्चों याद रखना बैलून को अगर हम लोग को बेस्ट फुलाना है, बैलून को हम लोग जल्दी जल्दी फुलाना, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग वाइटल कैपेसिटी। देखो जब भी आप बैलून को फुलाते हो किसी के बर्थडे पार्टी में, तो क्या होता है, पहले आप सांस लेते हो जोर से, फिर फूंकते हो, तो क्या कर रहे हो, आप पहले सांस भर के ले रहे हो फिर भर भर के छोड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। नाउ बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है बच्चों, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोम्बेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो बच्चों टोटल एयर जितना आपके लंग्स में बच जाएगा कब, फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो लिखो मेरे को सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, टीवी आएगा, वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा, हम लोग जोर से सांस लेंगे, आयर भी आएगा, वेरी गुड बच्चों। चलो तो एट द एंड ऑफ ए फोर्स इंस्पिरेशन, तो देखो बच्चों जब हम लोग फोर्स इंस्पिरेशन कर रहे थे बच्चों, जब हम लोग फोर्स इंस्पिरेशन कर रहे थे, हम लोग क्या करते हैं, पहले लंग को खाली करते हैं। हम लोग क्या किए, हम लोग को पूरा जोर लगाना, हम लोग को सांस पूरा टाइट वाला लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लंग को पूरा पहले खाली कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग सांस लेना शुरू करेंगे, तो बच्चों क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आपके फोर्स इंस्पिरेशन के बाद आ जाएगा, तो क्या क्या है बच्चों, देखो तो रेसिडुअल वॉल्यूम है, वेरी गुड, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, वेरी गुड, और क्या है बच्चों अगला, टाइडल वॉल्यूम है। तो बच्चों दिस इज द सम ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब आपके टोटल लंग का कितना कैपेसिटी है, आपके टोटल लंग का कितना आपके बॉडी के अंदर कैपेसिटी है लंग्स के अंदर, ठीक है, दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। इसका मतलब टोटल कितना एयर आपके अंदर अटेगा। तो बच्चों क्या देखो, आरबी तो हमेशा रहेगा, आरबी तो कभी जा ही नहीं सकता बच्चों, आरबी। अच्छा बच्चों वाइटल कैपेसिटी लिखना, बच्चों वाइटल कैपेसिटी डाटा में लिखना भूल गया, वाइटल कैपेसिटी होता है हम लोग का, लिखो 3500 से 4500, सॉल्व करके जो निकला है 3500 से 4500 ml। एफआरसी बच्चों लिखना कितना होता है, एफआरसी होता है लिख लो 2500 ml, 2500 ml इज द एफआरसी। चलो ठीक है, नाउ टोटल लंग कैपेसिटी में बच्चों हम लोग सबको जोड़ दिए, हम लोग सबको जोड़ दिए। तो बच्चों इसका डाटा याद रखना कितना आता है बच्चों, डाटा इसका आता है 5800 ml आता है, जिसको कि हम लोग आराम से 6 लीटर याद रखते हैं, याद रखने के लिए, ठीक है, इट इज अराउंड 6000 ml, दैट इज 6 लीटर बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब टोटल कितना एयर आपके लंग्स में अट गया। तो बच्चों क्या है देखो, यहाँ पर इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम भी है, इन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, और क्या बच्चों टाइडल वॉल्यूम भी है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, और आईआरबी भी है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो हम लोग क्या किए बच्चों, हम लोग क्या बोले, देखो हम लोग उस आदमी को बोले कि तुम टोटल सांस लो, तुम टोटल सांस लेके दिखाओ। तो वो क्या करेगा बच्चों, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो सांस लेना शुरू करेगा, टाइडल वॉल्यूम लिया, ठीक है। उससे लेने से पहले क्या करेगा, वो पहले सांस जोर से छोड़ा होगा, अब वो सांस लेना शुरू किया, अब बोले तुम और जम लगाओ, तो वो जोर लगाया। अब क्या बोले बच्चों, आपके बॉडी के अंदर आरबी तो हमेशा रहता है बच्चों, तो सबको ऐड कर दोगे तो क्या आया बच्चों, टोटल लंग कैपेसिटी आया, कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू कितना है, 6 लीटर। अब बच्चों ध्यान से कुछ एक चीज देखो, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा होगा, देखो बच्चों ईआरबी प्लस टीवी प्लस आईआरबी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं ना, देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो दिस इज अगेन द सेकंड फॉर्मूला। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास एक्जैक्टली कोई क्वेश्चन ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं आपको कभी ना कभी टाइम मिले करवा दूंगा। डाटा कितना बच्चों, 6000 ml। तो बच्चों देखो ये तो बेसिक चीज हो गई, ये सबको आता है, इंडिया में सब कुछ आता है, आप बेसिकली मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो एक्स्ट्रा बच्चों क्या होता है लिखते हैं, तो लिखो बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट क्या होता है,
तो पहला लिखना बच्चों, स्पायरोमेट्रिक क्या क्या मेजर नहीं कर सकता बच्चों, स्पायरोमीटर क्या क्या मेजर नहीं कर सकता। तो क्या बोला बच्चों मैं, देखो स्पायरोमीटर वही चीज मेजर कर सकता है जो कि क्या है, जो कि आपके बॉडी के सांस के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो बेसिकली देखो बच्चों, स्पायरोमीटर हर कुछ मेजर कर सकता है, बट स्पायरोमीटर तीन चीज मेजर नहीं कर सकता। क्या क्या बच्चों? रेसिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकता क्योंकि कभी बाहर निकलता नहीं है बच्चों। अगला बच्चों याद रखना, एफआरसी को भी मेजर नहीं कर सकता, और बच्चों याद रखना टीएलसी को मेजर नहीं कर सकता। स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर, स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर, ओके वेलकम रोहित, इस तीनों को मेजर नहीं कर सकता। तो बताओ कोई कमेंट बॉक्स में, अगर स्पायरोमीटर इन तीनों को मेजर नहीं कर सकता तो क्या चीज से इसको मेजर करते हैं? तो बच्चों लिख लेना, इन तीनों को हम लोग मेजर करते हैं बाय द मेथड, लिख लो। पहला मेथड लिखो हीलियम डाइल्यूशन मेथड, हीलियम डाइल्यूशन मेथड। अगला लिख लो बच्चों, डायरेक्टली आपको नीट में टिक करना है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है। अगला लिखो बच्चों नाइट्रोजन वाशआउट मेथड, नाइट्रोजन वाशआउट मेथड। और बच्चों जो सबसे बेस्ट होता है वो क्या होता है, लिखो बॉडी प्लेथो, बॉडी प्लेथो स्मोग्राफी, ब्लॉडी प्लेथो स्मोग्राफी बच्चों, ये बेस्ट मेथड है। तो बच्चों आपको डायरेक्टली नीट में टिक करना है, अगर आपसे बेस्ट मेथड पूछे आपको आंसर टिक करना है बॉडी प्लेथमो स्मोग्राफी। तो बच्चों दिस इज द नेम ऑफ मेथड्स, कैसे करते हैं अपन जब फाइनल ईयर एमबीबीएस में आओगे तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। हाँ अभी बच्चों आपको नाम आपको सिलेक्शन से मत होना चाहिए, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ आपका एक क्वेश्चन भी नीट में आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा क्रैश कोर्स के, ठीक है, बट उसके लिए वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों दिस इज द कॉन्सेप्ट, इन तीनों को मेजर नहीं कर सकते बच्चों। देखो यहाँ पर और भी घुमा के क्या पूछेगा, इन तीनों में वॉल्यूम क्या है बच्चों? तो वॉल्यूम यही है और कैपेसिटी क्या है, ये दोनों कैपेसिटी है। तो सपोज करो नीट में क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन सा कैपेसिटी मेजर नहीं करता है, तो क्या जाएगा एफआरसी और टीएलसी, और पूछेगा कौन सा वॉल्यूम नहीं करता है, तो क्या जाएगा आरबी। तो बच्चों क्वेश्चन लेंगे ध्यान से पढ़ना, वो कैपेसिटी पूछ रहा है या वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हीलियम मेथड, नाइट्रोजन वाशआउट मेथड और बॉडी प्लेथमोस्मोग्राफी आर द थ्री मेथड्स, इसमें ये बेस्ट होता है बच्चों, ये बेस्ट है। तो बी फॉर बॉडी, बी फॉर बेस्ट, याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई एश्योर की जितने लोग क्लास कर रहे हो उसमें से एक बच्चा को ये चीज नहीं आता होगा, आई एम 100% श्योर, एक बच्चा को ये चीज नहीं आता होगा पहले से, ठीक है। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिए, ओके बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि सबसे आसान टॉपिक है और सबसे अच्छा टॉपिक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होगा? तो देखो बच्चों गैस हम लोग कर रहे हैं दो जगह पे होता है, कहां पर? कैपिलरी पे और एल्वियोलाई पर। तो दोनों में बात करेंगे हम लोग, तो देखेंगे एल्वियोलाई क्या है, मेरा एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है। तो देखो नीट में क्वेश्चन आएगा प्राइमरी साइट एल्वियोलाई या कैपिलरी, आपको आंसर देना है एल्वियोलाई को। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैस कहां होता है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है, ब्लड और टिश्यूज के बीच होता है वाया कैपिलरी, वाया कैपिलरी, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, और किस कॉन्सेप्ट बेस्ट है बच्चों? ये बेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, जो किससे बेस्ट होता है, ये मेनली बेस्ट है प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ट है। मतलब कोई भी चीज मूव कहां करेगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, या कोई भी मूव करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, क्लियर है। तो देखो बच्चों क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो याद रखना बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एल्वेज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, गैस का सॉल्युबिलिटी कैसा है, उस गैस का सॉल्युबिलिटी कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और खास करके थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन कैसा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि कहीं ना कहीं रेट ऑफ डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है, सॉरी रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। तो बच्चों याद रखना रेट ऑफ डिफ्यूजन तीन चीज इफेक्ट करेगा, क्या क्या? पहला बच्चों, पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, दूसरा बच्चों थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या बच्चों? पार्शियल प्रेशर। तो इन तीनों पर कहीं ना कहीं रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है, ओके। नाउ पार्शियल प्रेशर क्या, आई थिंक आपको आना चाहिए। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट, एक सपोज करो एक चैम्बर है, इसके अंदर बहुत सारे गैस, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस हैं। तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? उस गैस का प्रेशर डिवाइडेड बाय उस चैम्बर के अंदर सब कुछ का प्रेशर। तो दिस इज बच्चों पार्शियल प्रेशर। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट है, हम लोग बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर पार्शियल प्रेशर को मेजर करके रखे हैं, आपको मेजर नहीं करना है, और उसका चार्ट एनसीईआरटी बना के दिया, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का चार्ट आपके एनसीईआरटी में बना के दिया हुआ है, तो देखते हैं आपको, देखो आप साफ साफ दिख रहा होगा। रेस्पिरेटरी रेट हम लोग दो ही होता है मेनली, O2 और CO2। ना O2 की बात करेंगे तो देखो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है, CO2 0.3 है। पता होगा आप लोगों को एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होता है, अप्रोक्स 20% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, समथिंग अराउंड 0.03% होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ बच्चों, ये पार्शियल प्रेशर का बॉक्स बना हुआ है, किसका? O2 और CO2 का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या बाहर में। ना बच्चों बात करेंगे एल्वियोलाई के अंदर, तो जब आदमी सांस ले लेता है, तो एल्वियोलाई के अंदर व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट PO2 104 एंड वी हैव गॉट PCO2 40। ना ये 40 कैसे हुआ बच्चों, आपको कोई एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। 0.3 बाहर था, 0.3 से 40 क्यों हुआ, क्योंकि तो रास्ते बने बच्चों, याद करना पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वी हैव गॉट समथिंग एंड दैट इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड बच्चों डेड स्पेस वॉल्यूम। और इसका अमाउंट याद रखना बच्चों कितना होता है, 150 ml। बच्चों डेड स्पेस वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेस्पायरेशन, ये रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये क्या करता है बच्चों, ये हमेशा और हमेशा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसा होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसा हुआ होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है बेसिकली
एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करना, ये बेसिकली थोड़ा सा एयर फंसा हुआ है। ओके चलो, तो बच्चों क्या होता है, रास्ते भर में बेसिकली कुछ गैसेस से मिलता है ये, कुछ गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलता है, तो अल्टीमेटली इसका एल्वियोलाई में प्रेशर 40 हो जाता है। ओके चलो, ओके बेसिकली बच्चों याद रखोगे ना। अगला है ओबी, ओबी में याद रखना बच्चों, ओबी में 95 होता है क्या O2, और CO2 कितना होता है बच्चों 40 होता है। तो देखो नाम ही काफी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। ना बात करेंगे बच्चों डीओबी की, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर बच्चों याद रखना ऑक्सीजन कितना है 40 है, और डीओबी कितना है मेरा, सॉरी CO2 कितना है 45 है बच्चों। चार्ट याद रखना होगा आपको। और टिश्यूज में देखो बच्चों क्या है, तो देखो एक ट्रिक याद करने का क्या है, डीओबी का एकदम सिमिलर है किससे, टिश्यूज से। तो एक याद कर लोगे दूसरा याद हो जाएगा, तो डीओबी का वैल्यू एकदम सिमिलर टिश्यूज से 40-45। ना ओबी क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब क्या है साफ साफ उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो 95 क्या ऑक्सीजन है और 40 क्या है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वोलाई और ये आपको याद हो ही जाएगा, तो देखो 104 के अंदर इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा 40 निकल के आएगा, और 159 एंड 0.3, तो बच्चों आपको याद ही होगा। एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं, MTR है मारो टोटल रट्टा वाला कॉन्सेप्ट, आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, याद क्यों करना पड़ेगा, यूनिट में क्वेश्चन आएगा। चलो आगे देखते हैं, तो बेसिकली बच्चों गैस का एक्सचेंज कैसे होता है देखते हैं। तो अपन लोग ये डायग्राम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अपन लोग ये डायग्राम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर भी आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो तो हम लोग डायग्राम को देखते हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों, हम लोगों ने सांस लिया, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आप सांस लोगे तो क्या होगा, वो सांस अल्टीमेटली एल्वियोलाई में आएगा। एल्वियोलाई के अंदर PO2 कितना बच्चों, PO2 104 mmHg है, और CO2 कितना है 40 mmHg है। तो देखो एल्वियोल्स के अंदर कहीं ना कहीं 104 ज्यादा है। अब देखो बच्चों बात करेंगे हर्ट की राइट वेंट्रिकल की, तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है बच्चों पल्मोनरी आर्टरी, तो देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना वैल्यू होता है बताया मैं 40-45, ट्रिक बताया ना आपको, तो 40 क्या होता है मेरा O2 और 45 क्या होता है बच्चों CO2 होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं O2 हायर साइड में यहाँ पर है और O2 यहाँ पर लोअर साइड में है, तो O2 मूव कर रहा है बच्चों देखो कहाँ पर कैपिलरीज में, और CO2 हायर साइड में कहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के कैपिलरीज में, तो ये बच्चों मूव कहाँ किया एल्वियोलाई में। O2 CO2 का एक्सचेंज हुआ बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, किसका ग्रेडियंट है बच्चों पार्शियल प्रेशर का, तो पार्शियल प्रेशर का ज्यादा वो उधर से उधर मूव कर जाएगा, और यहाँ पर देखो बच्चों CO2 ज्यादा कितना है मेरा, CO2 कितना है मेरा यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में 45 है और यहाँ पर बच्चों 40 है, तो CO2 मूव कर गया एल्वियोलाई में, तो मेरा ब्लड क्या हो गया बच्चों साफ हो गया। तो अभी तक ये ब्लू कलर का था, अब क्या हो गया बच्चों ये रेड कलर का, रेड कलर क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी वेंट्रिकल आ गया कितना होता है 4 होता है बता दिया मैं। नाउ बच्चों क्या होगा देखो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा बच्चों ऑर्टा, ऑर्टा से निकलेगा और ऑर्टा क्या करेगा बॉडी के सारे सिस्टम्स में जाएगा, और उस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरीज, बॉडी के सिस्टम्स को सप्लाई करने वाला सिस्टमिक आर्टरीज। सिस्टमिक आर्टरी में क्या होगा बच्चों, सिस्टमिक आर्टरी में क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना होता है प्रेशर 95 और 40 बोला ना 95-40 याद रख लोगे। ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ करो बच्चों, ये आर्टरी एक बॉडी के टिश्यूज की तरफ से बॉडी के टिश्यूज के पास पास कर रहा था, तो क्या होगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बॉडी के टिश्यूज में क्या होता है बच्चों कैटाबॉलिज्म होता है, बॉडी के टिश्यूज में कैटाबॉलिज्म होते रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ग्लूकोज बर्न होकर क्या बनता है CO2 H2O और ATP। और बात करेंगे बच्चों टिश्यूज की, तो टिश्यूज के साइड में बताया आपको मैं, टिश्यूज के साइड का ट्रिक क्या बताया, इसका एक्जैक्टली सेम होता है किसके डीओबी के, और डीओबी कितना होता है बच्चों 40 और 45, तो 40 O2 और 45 क्या है बच्चों मेरा CO2। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर CO2 45 है और यहाँ पे बच्चों क्या है 40 है, तो कहीं ना कहीं CO2 हायर साइड में कहाँ पर टिश्यू साइड में, तो CO2 बच्चों मूव कर गया देखो मूव कर रहा है, और ऑक्सीजन बच्चों यहाँ 95 है और नीचे ऑक्सीजन कितना है मेरा 40 है, तो ये बच्चों मूव कर गया कहाँ पर टिश्यूज में। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैस दो जगह हो रहा है, कहाँ पर एक एल्वियोलाई पर और एक कैपिलरी के साइड पर, और अल्टीमेटली क्या हो गया अल्टीमेटली O2 CO2 एक्सचेंज हो गया। फिर मेरा क्या हुआ देखो बच्चों, फिर मेरा गैस इसके अंदर आ गया कौन सा बच्चों ब्लड कौन सा आ गया, ये ब्लड हो गया बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों, क्योंकि CO2 मूव करके कहां से टिश्यूज से ब्लड वेसल्स में, और बच्चों सिस्टमिक वेन्स के थ्रू मतलब बॉडी के सारे वेन क्या करेंगे सुपीरियर वेना कावा बनाएंगे ऊपर वाले, और नीचे वाले इनफीरियर वेना कावा बनाएंगे, और सारे के सारे वेन्स बच्चों कहां ओपन हो गए हार्ट के राइट एट्रियम में, और इसमें बच्चों कौन सा ब्लड है डीओबी है। तो क्या बोला मैं डीओबी का ब्लड कितना होता है एक्जैक्टली किसके इक्वल बताओ बच्चों, डीओबी का ब्लड एक्जैक्टली होता है यहाँ लिखा हुआ देखो 40 और 45 बच्चों, ठीक है टिश्यूज के इक्वल होता है बच्चों। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि नीट 2020 में एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा, नीट 2020 में इस डायग्राम के बेस्ट एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं आपको श्योर शॉट सिग्नेचर करके लिख देता हूँ, ठीक है कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कुछ भी, ठीक है बच्चों क्वेश्चन पक्का आएगा। डायग्राम सबको क्लियर है, कंफर्म करो सबको डायग्राम क्लियर हो गया बच्चों, सबको कंफर्म करो। तो अपन लोग इसलिए यही होता है कॉन्सेप्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में, पहले इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि इसका यूज यहाँ पर हो सके, ठीक है। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन वगैरह वगैरह क्यों होता है, क्यों ब्लड साफ हो जाता है, क्यों ब्लड फिर गंदा हो जाता है, एंड सो ऑन सो ऑन। सब लोग कंफर्म करो क्लियर हो गया ये चीज, चलो उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों दिस इज द कॉन्सेप्ट, तो सिंपल द कॉन्सेप्ट है कि हमारे बॉडी के अंदर एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है किसके लिए O2 और CO2 के लिए। तो CO2 के लिए कहा देखो CO2 के लिए ओपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई,
नाउ एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या देखो CO2 की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, CO2 कहीं ना कहीं 20 से 25 टाइम ज्यादा सॉल्युबल किससे, O2 से। तो क्या बोला मैं, कोई भी गैस का सॉल्युबिलिटी या कोई भी गैस का एक्सचेंज डिपेंड करता है तीन चीज पे, क्या क्या, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, तीनों पर डिपेंड करता है। ना CO2 कहीं ना कहीं 20 से 25 टाइम, बाकी बच्चे बताओ यार क्या तुम लोग को दिक्कत है बोलने में, बाकी बच्चे बताओ तो 20 से 25 टाइम ज्यादा होता है क्या CO2 का सॉल्युबिलिटी किससे, O2 से। तो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं CO2 डिफ्यूज करेगा O2 के मुताबिक कहीं ना कहीं ज्यादा, ओके कहीं ना कहीं CO2 ज्यादा डिफ्यूज कर पाएगा किसके मुताबिक, ऑक्सीजन के मुताबिक। चलो नाउ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करेंगे बच्चों, तो देखो डायग्राम में दिख रहा होगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बेसिकली बच्चों तीन चीज से बना होता है, तीन चीज क्या क्या देखते हैं, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बच्चों तीन चीज से बना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का मतलब बेसिकली देखो एल्वोलाई और इस ब्लड वेसल के अंदर जो डिफ्यूजन होता है, O2 गया और CO2 इधर से इधर आया, तो बच्चों ये जो डिफ्यूजन होता है इसके लिए जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये मेम्ब्रेन बेसिकली तीन चीज से बना होता है, क्या क्या देखते हैं हम लोग, तो पहला है बच्चों थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई। तो देखो बच्चों ये एल्वोलाई है मेरा, एल्वोलाई का बाहर का लेयर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो बच्चों ये अपडेटेड एनसीईआरटी है, नया एनसीईआरटी है, इसमें आप लोग के साथ एनसीईआरटी नहीं होगा बच्चों, दिस इज द स्क्वैमस एपिथेलियम, थिन होता है और कितना बच्चों, याद रखना वन सेल थिक है ये, दिस इज ओनली वन सेल थिक, एक सेल का बना होता है, एक सेल लेयर का। नो अगला बच्चों क्या, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, तो बच्चों ये जो आपका एल्वुलर का कैपिलरीज है बच्चों, ये जो आपका एल्वुलर का कैपिलरीज है बच्चों, इसके बताया था आपको ना, क्या बोला कल लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, कैपिलरी के अंदर बच्चों बस एक लेयर होता है क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एंडोथेलियम। एंडोथेलियम क्या, एंडोथेलियम इज नथिंग, इट इज द एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, इट इज द स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, वेरी गुड। तो दिस इज बच्चों एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर, एंडोथेलियम क्या होता है लिखना बच्चों, एंडोथेलियम इज नथिंग, एंडोथेलियम इज द स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे आता है। और बच्चों तीसरा क्या देखो, तीसरा है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच वी हैव गॉट समथिंग एंड दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, बच्चों वी हैव गॉट बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन, दिख रहा है देखो आपको, दिख रहा होगा बच्चों बीचों बीच क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है। तो बच्चों दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है बच्चों, बेसमेंट ऐड किया है बच्चों, नया एनसीईआरटी में आप लोग ऐड कर लेना, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस क्या है, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी। बच्चों नया ऐड किया गया है एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी में सब चीज नहीं होगा। सिंपल था कॉन्सेप्ट बच्चों, ये जो बीचो बीच तीसरा जो सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस। ये बेसमेंट सब्सटेंस क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस बेसिकली बना होता है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जो कि सपोर्ट करता है क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वोलाई को, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि सराउंड करता है किसको, इंडोथेलियल लेयर ऑफ कैपिलरीज को। बच्चों देखो अपडेटेड चीज नीट में आ सकता है, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है चलो ओके। नाउ टोटल थिकनेस की बात करेंगे, तो टोटल थिकनेस तीनों लेयर को मिला के, ए बी सी को मिला भी देंगे, कितना है, लेस देन अ मिलीमीटर, एग्जैक्ट आंसर क्या देना आपको, 0.5 मिलीमीटर। तो बस याद रखना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है ओनली एंड ओनली 0.5 मिलीमीटर, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ लेस देन अ मिलीमीटर। सो ये सब के सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है O2 के डिफ्यूजन के लिए एल्वोलाई से टिश्यूज में, और CO2 का टिश्यू एल्वोलाई में, पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है ये मैं पढ़ा दिया बच्चों, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि डायग्राम नीट में आ सकता है बच्चों, तो डायग्राम को अच्छे से कर लोगे, चलो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आगे देखते हैं हम लोग, ना बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है मेरे को लग रहा है कि आज लगभग खत्म ही हो जाना चाहिए, ठीक है ओके। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, चलो तो बच्चों बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। तो गैस का ट्रांसपोर्ट में हम लोग को दो पढ़ना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ब्लड क्या है, दोनों का मीडियम है, कल हम पढ़ा चुके हैं, कल क्या बोले थे, आरबीसी के अंदर वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड हेमोग्लोबिन, एंड हेमोग्लोबिन बेसिकली एक पिगमेंट है जो कि रेड कलर का काउज है, और हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। तो इस चीज को समझते हैं बच्चों, तो देखो क्या होता है, ब्लड मीडियम है O2 CO2 का। नो डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, डाटा पूछता है, 97% ऑक्सीजन कैरी होता है किससे, आरबीसी के थ्रू, ओके। और ऑक्सीजन की बात करेंगे बच्चों, तो 3% ऑक्सीजन कैसे होता है, डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजोल्व होके, तो 3% डिजोल्व होके, वेरी गुड, और 97% आरबीसी के साथ। बट CO2 वाले में लफड़ा है, CO2 वाले में तीन तरीके से होता है, क्या क्या देखते हैं, 20 से 25% होता है किससे, आरबीसी से, वेरी गुड, 70% कैसे होता है, बाइकार्बोनेट से, और 7% कैसे होता है बच्चों, CO2 से। कुछ दिखा, यस दिखा, क्या दिखा, देखो यहाँ पर 3% और यहाँ पे बच्चों डायरेक्टली 7% हो गया, क्यों हुआ, वेरी गुड, जस्ट क्या बताया, CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों, वेरी गुड, CO2 की सॉल्युबिलिटी देखो साफ साफ लिखा हुआ था, CO2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, CO2 इज 20-25 टाइम्स हायर सॉल्युबल, सो दैट्स व्हाई CO2 का प्लाज्मा के थ्रू कितना हो रहा बच्चों, 7% हो रहा बच्चों, ये काउज है इसका। बट O2 कितना हो रहा है बस 3% हो रहा है, तो कहीं ना कहीं CO2 ज्यादा सॉल्युबल है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई आउट ऑफ द थ्री फैक्टर्स CO2 7% कैसे मूव करता है, बाय द
डिजोल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे देखते हैं बच्चों। पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बाकी बच्चे पता नहीं क्यों चले गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब है। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मेरे पास थोड़ी जगह की यहाँ पर कमी है, तो मैं आपको एक पेज पे पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है बच्चों? तो सब लोग एक पेज पे इसको नोट कर लेना, ठीक है, आराम से इसको एक पेज पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके, इस डायग्राम को सब लोग बना लोगे तो बच्चों समझते हैं इसको, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए। तो बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों लिखना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलो तो बच्चों सपोज करो कि यहाँ पर एल्वुलाई, सपोज करो आपका ये एल्वुलाई है, ठीक है, वेरी गुड। तो एल्वुलाई है बच्चों, इंपॉर्टेंट, दोनों हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। होता है क्या बच्चों, समझते हैं, क्या बोला मैं आप लोगों को, एल्वुलाई के पास क्या है, O2 ज्यादा है, वेरी गुड, और CO2 बच्चों यहाँ पर कम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बच्चों सपोज करो ये आपका क्या है बच्चों, ये कैपिलरी है, सपोज करो ये कैपिलरी है और इस कैपिलरी के अंदर ब्लड बह रहा है। कैपिलरी कैसे बना बच्चों, कैपिलरी कैसे बना, पल्मोनरी आर्टरी से। तो पल्मोनरी आर्टरी से बच्चों कैपिलरी बन गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल सा डायग्राम है, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा इसी में ना। अब होता क्या बच्चों, समझते हैं, ऑक्सीजन मेरा मूव किया, ऑक्सीजन मेरा मूव किया नीचे, तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो बच्चों ब्लड वेसल है, ये जो बच्चों ब्लड वेसल, इसके अंदर क्या है, ये ब्लड वेसल है बच्चों, इसके अंदर क्या है, आरबीसी मूव कर रहा है, वेरी गुड। इसके अंदर आरबीसी है, प्लाज्मा है, WBC सब कुछ है, ठीक है, प्लाज्मा वगैरह सब कुछ है। चलो तो सिंपल था कॉन्सेप्ट बच्चों, क्या होता है समझते हैं, 97%, क्या बोला मैं बच्चों, 97% क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन। तो 97% ऑक्सीजन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से बनेगा, सब कुछ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स है। तो बच्चों हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से क्या बन कर जाएगा, 97% ऑफ द ऑक्सीजन ये बाइंड कर गया, और क्या बनाया बच्चों, बनाया मेरा HB+O2, क्या बनाया, HBO2, HBO2 बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कितना बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना बच्चों बनाया ये। अच्छा बच्चों ये एरो क्या, देखो ये एरो रिवर्सिबल का, एरो रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि आगे जाके टूट जाएगा, आगे जाके टूटेगा, रिवर्सिबल एरो मतलब बेसिकली बॉन्ड बनता है बट ये टूटेगा आगे जाके, ठीक है, रिवर्सिबल का एरो लगाएंगे। कितना बना बच्चों, 97% बन गया। चलो इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं, अब क्या होगा बच्चों समझते हैं, अब यहाँ पर अब बच्चों क्या होगा, 3% जो ऑक्सीजन है बच्चों, 3% ऑक्सीजन क्या होगा, ये सीधे के सीधे 3% ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों, ये सीधे के सीधे डिजॉल्व फॉर्म में मूव करेगा, डिजॉल्व फॉर्म में ये मूव करेगा आगे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब सपोज करो कि ब्लड वेसल आगे चल रहा है, ब्लड वेसल आगे बह रहा है, अब क्या होगा बच्चों, ये अब आपका क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका ब्लड लेके आ रहा है, कौन, ये क्या मेरा, ये मेरा बच्चों पल्मोनरी वेन, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या बच्चों मेरा पल्मोनरी वेन है, कौन सा ब्लड लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, देखो ऑक्सीजन अंदर घुस गया, वेरी गुड। अब पल्मोनरी वेन बच्चों कहाँ आएगा, वेरी गुड, अपने हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं, ये कहाँ आएगा बच्चों, हार्ट के चैम्बर में, कौन सा चैम्बर में, बताओ, लेफ्ट एट्रियम में। तो बच्चों ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया बच्चों हम लोग, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला, ऑर्टा निकला, ठीक है, ऑर्टा बच्चों आगे जाएगा, और ऑर्टा क्या करेगा बच्चों, बॉडी के सिस्टम्स में जाएगा, आर्टरी बनाएगा। चलो तो सपोज करो बच्चों ये आर्टरी है, और सपोज करो ये बॉडी के टिश्यूज है, सपोज करो बॉडी के टिश्यूज है, तो बच्चों क्या होगा, देखो आर्टरी फिर से क्या बनाएगा, कैपिलरीज बनाएगा, सपोज करो बच्चों ये कैपिलरीज है ना, समझते हैं ना। अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर ऊपर जो HBO2 था, ऊपर जो HBO2 था, तो टिश्यूज के साइड पर बच्चों समझो, टिश्यूज के साइड पर क्या होता है, CO2 का लेवल ज्यादा होता है, क्यों होता है बता दिया आपको ना थोड़ी देर पहले, ग्लूकोज बर्न होता है, तो टिश्यूज के साइड पर CO2 का लेवल बच्चों ज्यादा है, तो इससे दिक्कत क्या होगा देखते हैं, CO2 ज्यादा है, अब जैसे ही HBO2, प्लीज बच्चों ये समझना, ये सबके सब ब्लड वेसल्स के अंदर चल रहा है, ये सारा का सारा खेला बच्चों ब्लड वेसल्स के अंदर चल रहा है, ओके। तो बच्चों सपोज करो यहाँ पर बहता बहता HBO2 आ गया, कौन सा, 97% वाला, और साथ साथ पीछे पीछे एक चीज और आ रहा है, क्या पीछे पीछे कहीं ना कहीं मेरा 3% वाला और आ रहा है, तो 3% बच्चों क्या है, प्लाज्मा में डिजॉल्व, वो भी आ रहा है ना बच्चों। यहाँ पर टिश्यू के साइड पर क्या होता है, CO2 ज्यादा होता है, और ये CO2 क्या करता है बच्चों, ये HBO2 के बॉन्ड के लिए, HBO2 का जो बॉन्ड होता है बच्चों, इसके लिए क्या है, ये इसके लिए है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग होने नहीं देगा, ये बॉन्ड को तोड़ देगा। तो क्या होगा बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस हाई CO2, CO2 ज्यादा होने की वजह से, और क्या होता है बच्चों, याद रखना टिश्यू के साइड पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, वेरी गुड, और बच्चों याद रखना H+ ज्यादा होता है, तो देखो टेम्परेचर ज्यादा, H+ ज्यादा, और अगला क्या बच्चों, O2 कम, तो ये चार फैक्टर होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, CO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, H+ ज्यादा, O2 कम। आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो टेम्परेचर ज्यादा क्या करेगा, ये HBO2 के बॉन्ड को तोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा ना, वेरी गुड। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स क्या होगा, HBO2 जो आ रहा था बच्चों, ये HBO2 टूट जाएगा, HBO2 टूट के क्या बनाएगा, वेरी गुड, HB+O2। तो देखो हीमोग्लोबिन मेरा यूज हो गया था ऊपर, अब वो फ्री हो गया, ऑक्सीजन बच्चों निकला, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बॉडी के टिश्यूज में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब देखो हीमोग्लोबिन फ्री है, हीमोग्लोबिन अब यहाँ पर फ्री है ना, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है,
अब जो ये टिश्यूज CO2 बनाता है बच्चों, ये टिश्यू जो CO2 बनाता है, ये CO2 क्या करेगा बच्चों, वेरी गुड, अब ये CO2 इस हेमोग्लोबिन को पकड़ लेगा कि भाई तू मेरे को ले चल, मेरे को तू ले चल। तो बच्चों क्या करेगा, ये हेमोग्लोबिन CO2 से बाइंड कर जाएगा और क्या बनाएगा, HbCO2। कितना बच्चों, कितना बनता है ये, 23%। कितना बच्चों, 23%। अब सुनना प्लीज ध्यान से, यहां से, यहां से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 100% की बात करेंगे बच्चों में, 100% के अंदर में 23% क्या किया बच्चों, 23% चिपक गया हेमोग्लोबिन से, वेरी गुड। नाउ 70% जो होता है बच्चों वो क्या करता है समझते हैं, तो 70% जो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, आरबीसी के अंदर जाता है, आरबीसी के अंदर जाता है बच्चों, और क्या करता है क्या समझते हैं, सपोज कोई आरबीसी है, मैं इसको अलग से बनाता हूँ बच्चों, इसको मैं अलग से बनाता हूँ, समझते बच्चों होता क्या, देखो 70% आरबीसी क्या करता है बच्चों, ये हेमोग्लोबिन के अंदर गया, वेरी गुड, अरे गया ना। अब क्या करेगा बच्चों, देखो यहाँ पर ये CO2 क्या करेगा, ये CO2 वाटर से बाइंड करेगा, किससे, वाटर से। तो CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, H2CO3। नाउ H2CO3 ब्रेक करेगा किसमें, H+ में और HCO3- में। तो बेसिकली ये क्या है बच्चों मेरा, ये है मेरा कार्बोनिक एसिड, ये बच्चों ब्रेक कर रहा है किसमें, H+ और HCO3- में। नाउ ये सब चीज कहां हो रहा है, ये सब चीज आरबीसी के अंदर हो रहा है बच्चों, इसको मैं पूरा आरबीसी के अंदर बना देता हूं, ये सब चीज बच्चों कहां हो रहा है, आरबीसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर वाटर से कंबाइन करेगा क्या, CO2 का मॉलिक्यूल, और क्या बनाएगा, H2CO3, H2CO3 में H+ बनेगा, HCO3- बनेगा। नाउ ये जो बच्चों H3O3- आयन है, ये जो बच्चों H3O3- आयन है, ये क्या करता है बच्चों, ये आरबीसी से बाहर निकल जाता है, ये बच्चों आरबीसी से बाहर निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब आरबीसी से बाहर निकल गया तो क्या हो गया, अंदर में एक माइनस चार्ज कम हो गया, इस माइनस चार्ज की पूर्ति करने के लिए, इस माइनस चार्ज को कॉम्पेंसेट करने के लिए प्लाज्मा के अंदर से एक क्लोराइड आयन क्या होता है बच्चों, ये आरबीसी मुक्त हो जाता है। ये बोला मैंने आरबीसी बनाया बच्चों, ये डायग्राम आरबीसी है, ये पूरा आरबीसी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या बोला मैं, HCO3- बच्चों बाहर गया कहां पर, प्लाज्मा में, HCO3 बच्चों प्लाज्मा के अंदर चला गया, और Cl- कहां गया बच्चों, प्लाज्मा से कहां चला गया, आरबीसी के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस कॉल्ड बच्चों क्लोराइड शिफ्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, क्लोरीन का शिफ्ट होना है, इसको क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। कहां हो रहा है बच्चों, टिश्यू के साइड पे हो रहा है। नो, अब बच्चों क्या है, अब क्या हो बच्चों, मेरा एक चीज और बच गया क्या, वह 7% बचा हुआ ना जी, 7% क्या बच्चों, CO2 किसमें है, प्लाज्मा में है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो 7% बच्चों प्लाज्मा में बचा हुआ है। अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन लो, 23% HB से बाइंड किया, बनाया HbCO2, 70% CO2 और वाटर मिलकर बनाया H2CO3, H2CO3 बेसिसिट हुआ H+ HCO3- में, HCO3- प्लाज्मा में गया, और उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक क्लोराइड आयन अंदर मूव करता है, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, क्लोराइड शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं हैमबर्गर्स फेनोमेना, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हैमबर्गर्स फेनोमेना, ठीक है बच्चों, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तैयार तैयार। अब देखो हमारा गाड़ी चल रहा है, हमारा गाड़ी बच्चों चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, और गाड़ी के अंदर तीन चीज है, क्या क्या बच्चों, पहला मैं बोल रहा हूँ 23% HbCO2 है, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 जा रहा है, और 7% डिजॉल्व है, 7% बच्चों डिजॉल्व है। नाउ अल्टीमेटली गया 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 गया, ओके बच्चों। नाउ अब ये क्या हो बच्चों, अब ये कहां गया बच्चों, ये गया और कहां गया, मेरे राइट एट्रियम में गया बच्चों, कहां गया, हार्ट के राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां गया बच्चों, ये राइट वेंट्रिकल में, कोई दिक्कत, राइट वेंट्रिकल बच्चों कॉन्ट्रैक्ट किया, और कहां गया बच्चों, वेरी गुड, वाया द पल्मोनरी आर्टरी बच्चों, कहां गया, ये वापस से लंग्स में। ना बच्चों प्लीज समझो, CO2 पधार, CO2 महाराज पधार रहे हैं, CO2 महाराज पधार रहे हैं। ना बच्चों यहाँ पर समझना, यहाँ पर CO2 तीन फॉर्म में है, पहला क्या बच्चों, HbCO2 के फॉर्म में, वेरी गुड, कितना 23%। दूसरा बच्चों क्या देखो यहाँ पर, ये जो मेरा H और HCO3- है बच्चों, तो यहाँ पर ये रिएक्शन मैं इसको बनाता हूँ अलग से, यहाँ पर ये रिएक्शन बच्चों क्या होगा, वापस से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो HCO3- और H+ क्या बन जाएगा बच्चों, वापस से H2CO3 बन जाएगा। ना बच्चों समझना, एल्वुलाई के साइड पर बच्चों देखो, एल्वुलाई के साइड पर क्या, O2 ज्यादा है, तो O2 जब ज्यादा है बच्चों तो क्या होता है, यहाँ पर ये H2CO3 अब डिवाइड हो जाता है और बन जाता है वापस से H2 और CO2। बच्चों देखो H2O CO2 बन गया, अरे बन गया, बोलो समझ में आया, क्या फील आ रहा होगा, वेरी गुड। अब ये CO2 बच्चों बन गया, अब ये CO2 क्या करेगा, वेरी गुड, एल्वुलाई के थ्रू एक्सपायर हो जाएगा बाहर, एक्सपायरेशन हो गया बच्चों, तालियां बजनी चाहिए, वेरी गुड, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो बच्चों पहला तो हम लोग को समझ में आ गया ना, दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, HbCO2 जो बच्चों था अभी तक ये स्ट्रॉन्ग था, क्यों स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज यहाँ पर CO2 ज्यादा था, बट HbCO2 जैसे ही कहां पे आएगा, एल्वुलाई के साइड पे आएगा, तो एल्वुलाई के साइड पे बच्चों याद रखना, O2 ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, H+ कम होता है बच्चों। तो ये सब फैक्टर क्या है, ये सब फैक्टर पॉजिटिव है, समझो यहाँ पर देखो, टेम्परेचर ज्यादा था, CO2 ज्यादा था, O2 कम था, यहाँ पर देखो क्या, O2 ज्यादा, CO2 कम, टेम्परेचर कम, H+ कम, ठीक है बच्चों। तो अल्टीमेटली होता क्या है यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है मेरा बच्चों, यहाँ पर O2 और CO2 है, तो CO2 बच्चों यहाँ पे कम है, तो ये बॉन्ड बच्चों स्टेबल नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, HbCO2 टूट जाएगा, किसमें, HB और CO2 में। देखो बच्चों HB अलग, CO2 अलग, अरे बोलो, और CO2 बाहर, CO2 सुई से बाहर, आया समझ में, आया। तो CO2 बच्चों बाहर, और देखो बच्चों पीछे पीछे कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, पीछे पीछे मेरा वो 7% प्लाज्मा आ रहा है,
पीछे 57% प्लाज्मा में CO2 आ रहा है, और ये भी बच्चों सुई से बाहर, दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों। तो ये चीज हुआ बच्चों, ये चीज हुआ बच्चों, बट एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं मिस कर गया बोलना, यहाँ पे मैं मिस क्या कर गया बताना, यहाँ पे बच्चों मैं ये बोलना भूल गया कि देखो H+ SCO3- में क्या बोला था मैं आपको, RBC के अंदर क्या आया था बच्चों, क्लोराइड आया था, यहाँ पे आया था ना क्लोराइड, ठीक है, आरबीसी के अंदर क्लोराइड आया था बच्चों। अब क्या होता है, ये क्लोराइड वापस चला जाता है, ये क्लोराइड बच्चों टिशू एल्वोला के पास, क्लोराइड बाहर निकल जाता है, क्लोराइड बाहर निकला और SCO3- क्या हो गया बच्चों, वापस से अंदर आ गया। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड इफेक्ट बच्चों, क्या बोलते हैं हम लोग, एक सेकंड बच्चों मेरे से कुछ दब गया, रिवर्स क्लोराइड इफेक्ट, अरे समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो क्या बोला मैं, क्लोराइड शिफ्ट क्या बच्चों, क्लोराइड शिफ्ट या इफेक्ट क्या है, क्लोराइड का आयन Cl- कहां हुआ, Cl- टिशू के साइड में आरबीसी में गया, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, बट एल्वोला के साइड में वापस से Cl- प्लाज्मा से कहां गया, आरबीसी में गया, क्यों गया, देखो Cl- जैसे ही अंदर गया क्या हो गया बच्चों, Cl- बाहर चला गया, जैसे ही चला गया बाहर, ठीक है, तो SCO3- अंदर आ गया। अब SCO3- अंदर आएगा क्या करेगा, ये H+ से बाइंड करेगा, क्या बनाएगा बच्चों, H2CO3, H2CO3 टूटेगा किसमें, H2 और CO2 में, और CO2 वेरी गुड बॉडी से बाहर एक्सपायरेशन के थ्रू। चलिए बच्चों सब लोग कंफर्म कीजिए जल्दी से, सब लोग कंफर्म कीजिए, किसी कोई दिक्कत, तो मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया एक ही डायग्राम में, तो चैप्टर अल्टीमेटली 80% फिनिश हो गया आपका, चैप्टर अल्टीमेटली 80% आपका फिनिश हो गया, ठीक है। सब लोग बताओ किसी को डाउट, क्या किसी को डाउट है तो बोलो, अरे जल्दी बोलो, कैसा रहा ये बताओ, समझ में आ गया, सब लोग बताइए, कहीं पर डाउट हो तो बोलना, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, किसी को डाउट हो तो बेझिझक पूछो, सबको मैं टाइम दे रहा हूं बच्चों, सबको मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से पूछिए सब लोग, जल्दी सब लोग पूछिए, फिर मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाने वाला हूँ, देखो पल्स ऑक्सीमीटर, अभी पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को SpO2, तो वो होता क्या है वो दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, लाइव दिखाऊंगा, ठीक है, लाइव दिखाऊंगा, जल्दी से बोलो, किसी को दिक्कत है तो मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, बट प्लीज हेजिटेट मत करना, क्योंकि नीट में सियोर शॉर्ट क्वेश्चन आना है, नीट में सियोर शॉर्ट क्वेश्चन आना है, तो मैं आपको ऑक्सीमीटर लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको ऑक्सीमीटर आज लाइव दिखाने वाला हूँ, सब लोग कन्फर्म की जल्दी से, चलो थैंक यू, देखो कितना रहा स्पीड ग्रेडिंग, कितना रहा मेरा, देखो स्क्रीन पर देखो 98 97 98 फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखाता हूँ बच्चों, मैं आपको ये फुल स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ठीक है, चलो आगे दिखाऊंगा जब टाइम आएगा, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला बच्चों मैं, किसी को दिक्कत जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट, ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों, हम लोग ऐसे में क्रैश कोर्स आगे नहीं करेंगे, जैसे स्थिति है 6-7 लोग क्लास देख रहे हैं, तो अब हम लोग क्लास क्रैश कोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, बेसिकली बेसिकली वेरी वेरी डिमोटिवेटिंग फॉर मी हूँ, इतने बढ़िया से अगर पढ़ाने के बाद ये हाल है तो हम लोग एंड कर देंगे इसको, ठीक है, अभी ये स्थिति है कि 6-7 लोग क्लास में, ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि क्रैश कोर्स एंड कर देना चाहिए, ठीक है, तो अब मैं शायद नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, जैसे स्थिति तुम लोगों की, किसी कोई दिक्कत नहीं, मैं शॉर्ट रिपीट कर देना, सुन लो बच्चों, तो क्या बोला मैं, O2 CO2 कैसे होता देखते हैं, तो O2 सबसे पहले एल्वोलाई की साइड पर ज्यादा होता है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 97% HB से बाइंड करेगा, क्या बनेगा HbO2, और 3% प्लाज्मा में डिजोल्व होकर आएगा, बहते बहते आगे कहाँ गया बच्चों, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ गया ऑर्टा में, ऑर्टा से कहाँ गया आर्टरी में, आर्टरी से कहाँ गया बॉडी के अंदर कैपिलरी बना, कैपिलरी के पास एक्सचेंज होगा, कैसे एक्सचेंज होगा समझते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, HbO2 अभी तक आ रहा था, बट कैपिलरी के साइट पर या टिश्यू के साइट पर CO2 ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, H+ ज्यादा होता है, O2 कम होता है, तो ये सब के सब कंडीशंस क्या है, ये सब के सब अनफेवरेबल है, किसके लिए, HbO2 के बॉन्ड के लिए, तो बॉन्ड बच्चों टूट जाएगा, तो HbO2 में HB टूट गया, O2 टूट गया, सुनते रहो ध्यान से, खत्म ना, 3% जो बहते बहते आ रहा था वो भी टिश्यूज को मिल गया, खलास, हेमोग्लोबिन खाली, ना हेमोग्लोबिन का फायदा कौन उठाएगा, अब उठाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है बच्चों सुन दो, ये हेमोग्लोबिन दिमाग लगाता है, सॉरी CO2, ये क्या करता है, 23% क्या करता है, हेमोग्लोबिन से चिपक जाता है, ना अब 70% की बात करते हैं, 70% CO2 क्या करता है बच्चों, CO2 H2O से बाइंड किया और क्या किया, H2CO3 बनाया, H2CO3 डिसोसिएट किया किसमें, H+ और SCO3- में, SCO3- क्या बच्चों मेरा, अब क्या करता है SCO3-, ये SCO3- RBC से बाहर निकल गया, कहां पर, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में आया और अब क्या करेगा, इस माइनस चार्ज की पूर्ति करने के लिए एक Cl- आयन कहां जाएगा, आरबीसी में जाएगा, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है, नाउ अब क्या होता है बच्चों, अब आरबीसी मूव करते करते जा रहा है, कितना 70% कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में जाता है, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में, SCO3- को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाई कार्बोनेट आयन, इस फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, नाउ और क्या बच्चों, 7% प्लाज्मा में जा रहा है डिजोल्व होकर, ना जैसे ही हम पहुंचेंगे कहां पर,
जैसे ही ये बच्चों मूव करते करते कहाँ गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, उससे क्या हो बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया। लंग्स में क्या हो बच्चों, अब ये जो HBCO2 था बच्चों, HBCO2 का बॉन्ड अब टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि एल्वोलाई के साइड पर O2 ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर कम और H+ कम, तो इन कंडीशन से क्या होता है बच्चों, HBCO2 का बॉन्ड टूट जाता है। HBCO2 टूटेगा HB और CO2 में, तो देखो हेमोग्लोबिन वापस से अलग, हेमोग्लोबिन वापस से फ्री हो गया और CO2 बच्चों बाहर निकल जाएगा। ओके नो, ये चीज कैसे होता है, ये चीज होने के लिए यहाँ पर फिर दो स्टेप है। क्या देखो, पहला बोला मैं HBCO2 टूट गया, दूसरा क्या बोला बच्चों में, ये जो मेरा H+SCO3 है ये वहां पर जाता है। अब क्या होता है, जो क्लोराइड आयन अंदर आया था ये क्लोराइड आयन बाहर गया, क्लोराइड बाहर चला गया, इसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, और जो SCO3- था बच्चों ये क्या किया, वापस RBC में आया। ना ये SCO3- क्या किया, देखो H+ से बाइंड किया और क्या बनाया, H2CO3। ना H2CO3 टिश्यू के साइड पर, सॉरी एल्वोलाई के साइड पर ब्रेक कर जाएगा, किसमें, H2 और CO2 में, और क्या बनेगा बच्चों, CO2 एल्वोलाई से बाहर। बच्चों दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। कोई दिक्कत किसी को, मैं रिपीट कर दिया सब कुछ, कोई दिक्कत किसी को कन्फर्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इस तरह से बच्चों हमारा एक्सचेंज होता है गैस का। सब लोगों को क्लियर है, कन्फर्म कर दो एक बार, कोई डाउट किसी को नहीं है बच्चों। दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, और क्लोराइड शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमबर्गर्स फेनोमेना। क्लोराइड शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमबर्गर्स फेनोमेना। तो बच्चों क्लोराइड शिफ्ट कहाँ हो रहा है, टीसू के साइड पे हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, क्लोराइड आरबीसी में घुस रहा है। क्यों, क्योंकि HCO3- RBC से बाहर निकल रहा है। और रिवर्स क्लोराइड कहाँ हो रहा है बच्चों, देखो रिवर्स क्लोराइड हो रहा है कहाँ पर, एल्वोलाई के साइड पर, वहां पर क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन आरबीसी से बाहर निकल रहा है और HCO3- वापस अंदर आ रहा है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, अरे क्लियर हो गया, सब लोग कन्फर्म करो। ओके, बाकी तुम लोग का ये हाल तो आई डोंट थिंक क्लास अब लेना चाहिए तुम लोगों का, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को कद्र नहीं पढ़ाएगी, ठीक है, तुम लोग को कद्र नहीं पढ़ाएगी, ठीक है। चलो, तो बेसिकली बच्चों वही चीज NCERT में लिखा हुआ है, तो आराम से इसको पढ़ते हैं। अब देखो तुमको आसानी समझ में आ जाएगा, जो जो मैं पढ़ाऊँ उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखा हुआ देखते हैं। हेमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसी में होता है। ऑक्सीजन बाइंड करता है हेमोग्लोबिन से, किसमें, इन रिवर्सिबल मैनर, बताया ना आप लोगों को, टूट के फिर से बनेगा क्या, HBO2 अलग अलग हो जाएगा और क्या बनेगा बच्चों, HB और O2 मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। नाउ इच हेमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल। तो बच्चों क्वेश्चन नीट में आ सकता है सर, एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 O2 से बाइंड करता है। नाउ बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन का बाइंडिंग हेमोग्लोबिन के साथ, ये प्राइमरी किससे रिलेटेड है, रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। देखो मैं बोला आपको कि मैं 4 फैक्टर है, नो डाउट ऑक्सीजन भी है CO2 भी है, बट मेन फैक्टर क्या है बच्चों, मेन फैक्टर खुद ऑक्सीजन है। अरे समझ रहे हो ना, देखो HBO2 को बाइंड करना है, सपोज कोई लड़का लड़की की शादी करना है, तो मेन फैक्टर क्या है, लड़का लड़की है ना, हाँ लड़का लड़की, घर वाले भी बाद में हो सकता है, घर वाले शादी तुरवा दे, बट मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर है लड़का और खुद ही लड़की, ठीक है, दिस इज द मेन फैक्टर। चलो तो मेन फैक्टर क्या है मेरा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ननद, पार्शियल प्रेशर ऑफ उसका भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ उसकी बहन, एंड पार्शियल प्रेशर उसके माँ बाप भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर कर सकते हैं इस शादी से, समझ रहे हो ना, हाँ, तो आप समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली बाकी फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि CO2, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, जैसे कि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जैसे कि टेम्परेचर, जो भी कहीं ना कहीं इस शादी को, इस मिलन को कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। नो, जब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, जब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं किसका, एक हमने जब ग्राफ बनाया किसका, परसेंटेज सैचुरेशन का, जब हमने ग्राफ बनाया परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ, तो एक ग्राफ बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। उसका शेप कैसा बच्चों, इसका शेप है सिग्मोइड शेप, देखो आपको नीचे दिख रहा होगा, सिग्मोइड शेप का एक ग्राफ बनता है बच्चों। किसके किसके बीच बना है हम लोग, ऑक्सीजन के हेमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन से, और हम लोग बनाए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ODC, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है बच्चों। नाउ और ये काफी हेल्पफुल है किसमें, इन स्टडिंग द फैक्टर्स लाइक PuCO2 H+, तो बोला ना आपको, ननद, उसके भाई, उसके बहन, उसके माँ बाप के इफेक्ट क्या पड़ेंगे O2 और हेमोग्लोबिन के बाइंडिंग में, मतलब लड़का लड़की की शादी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बाकी लोगों का, वो देखने के लिए। तो हम लोग बात करते हैं, देखो सबको पढ़ चुके हैं, एल्वोलाई में जहां पर PO2 ज्यादा होता है, PuCO2 कम होता है, H+ कम होता है और टेम्परेचर कम होता है बच्चों। क्या बोला मैं, सब कुछ लिख चुका हूँ, एल्वोलाई में ये सब चीज होता है। ये सब के सब फैक्टर क्या है बच्चों, ये सब के सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए। ऑक्सी हेमोग्लोबिन आसानी से बन गया था वहां पर, मतलब HBO2 आसानी से क्यों बाइंड किया, O2 ज्यादा, वेरी गुड, CO2 कम, टेम्परेचर कम, H+ कम, वेरी गुड, तो इस सब क्या हुआ बच्चों, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन टिश्यू पे आता है, तो इसको क्या मिलता है, इसको मिलता है भयानक कंडीशन, क्या क्या, O2 वहां पर कम, CO2 ज्यादा, H+ ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, HBO2 सर्वाइव नहीं करेगा, देखो सबके सब एंटी हो गए, सबके सब अगेंस्ट में हो गए शादी के, तो बेसिकली HBO2 सर्वाइव नहीं कर पाएगा, HBO2 टूट जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो इससे क्या हुआ बच्चों, इससे यही हुआ, इससे क्या हम लोग को समझ में आया, इससे समझ में यही आया कि जो ऑक्सीजन ऊपर मतलब एल्वोलाई के साइड पर क्या कर रहा है बच्चों, हेमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है, वो नीचे आके टूट जा रहा है। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ, दिस इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हेमोग्लोबिन इन द लंग्स एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट टिश्यूज। ऊपर बाइंड किया एल्वोलाई पर और नीचे आके टिश्यूज पर टूट गया इसका। और यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml O2 टिश्यूज तक पहुंचाता है। कब? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन से 5 ml पहुंचाता है बच्चों, ये लिख लेना, एंड 15 ml पहुंचाता है इन एक्सटर्नल एक्सरसाइज। पता सब कोई आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेन एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत भयंकर एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या होगा, उसके बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। जब बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, हम लोग को जोर से ऑक्सीजन भेजना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रोसेस में 100 ml ब्लड कितना करता है, 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, बट एक्सरसाइज के अंदर बच्चा याद रखना 15 ml करता है। तो 100 ml, 100 ml ब्लड बच्चों 15 ml O2 को सप्लाई करता है, ठीक है बच्चों, एक डाटा याद रखोगे ना बच्चों। हम लोगों ने ग्राफ को बना के देख लिया, तो हम लोग ग्राफ को देखते हैं बच्चों। तो देखो ये ग्राफ दिख रहा है, वेरी गुड। इस ग्राफ को बच्चों ध्यान से देखना, आई थिंक आप पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गए, आप लोग पहले भी पढ़ोगे। इस ग्राफ में हम लोग क्या लिए हैं, एक्स एक्सिस में लिए हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सिस में क्या लिए बच्चों, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। चलो इस ग्राफ को देखते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या दिख रहा है, देखो बच्चों सैचुरेशन भी धीरे धीरे मेरा बढ़ रहा है, सैचुरेशन भी मेरा धीरे धीरे वैसे वैसे बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली देखो बच्चों क्या हो रहा है, 100% सैचुरेशन आ रहा है। बच्चों याद रखना, आप लोगों को याद रखना होगा परसेंटेज सैचुरेशन का रेंज कितना होता है, नॉर्मल रेंज होता है बच्चों याद रखना 95 से 100, 95 से 100 नॉर्मल रेंज होता है नॉर्मल इंसान का। कुछ मान लो कोरोना नहीं, इसको सर्दी खांसी नहीं, इसको मान लो निमोनिया नहीं है, उसके अंदर नॉर्मल रेंज कितना होता है, 95 से 100 किसका, परसेंटेज सैचुरेशन को। हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म SpO2, SpO2 का मतलब सैचुरेशन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ठीक है। तो SpO2 बच्चों क्या है बच्चों, SpO2 शॉर्ट फॉर्म है किसका, परसेंटेज सैचुरेशन का, ठीक है। चलो ओके नो, अब हम लोग ग्राफ को ध्यान से देखते हैं ना बच्चों। ग्राफ की दो पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ मेरा लेफ्ट शिफ्ट कर जाए, सॉरी राइट शिफ्ट कर जाए, पहली पॉसिबिलिटी राइट राइट से। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ मेरा लेफ्ट शिफ्ट कर जाए। आप लोग खुद समझ में आ रहा होगा, देखो क्या समझ में आ रहा है, ग्राफ अगर राइट शिफ्ट कर रहा है बच्चों तो क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर राइट शिफ्ट करने में क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो पार्शियल प्रेशर जब मेरा क्या बच्चों, पार्शियल प्रेशर जब मेरा 100 है तो सैचुरेशन कितना बच्चा मेरा 100 है, दिख रहा है, वेरी गुड। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो ग्राफ राइट शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब बच्चों क्या है, ये ऐसे कंडीशन है जो कि क्या है, अनफेवरेबल है किसके लिए, किसके लिए, HbO2 के लिए। समझो प्लीज, HbO2 लेट से बन रहा है, राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज जितना जल्दी बन जाएगा मतलब कम प्रेशर में ही, सपोज करो कम प्रेशर में, यहाँ पर देखो प्लीज, यहाँ पर देखो 100 कहाँ पहुंच गया है, 100 पहुंच गया बच्चों मेरा 50 प्रेशर पे ही। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर 100 पहुंचा भी नहीं है, मान लो पहुंच भी गया तो कितना पहुंचा, 110 120 से पहुंच रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ग्राफ राइट शिफ्ट करने का मतलब कहीं ना कहीं HbO2 लेट से बन रहा है, कहीं ना कहीं कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो ग्राफ राइट कब कब शिफ्ट करेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो बच्चों ग्राफ राइट शिफ्ट कब करेगा, देखो CO2 जब ज्यादा, तो CO2 ज्यादा तो क्या होगा, HbO2 का फॉर्मेशन आसानी से नहीं होगा, वेरी गुड। अगला बच्चों O2 कम, तो PO2 कम, वेरी गुड, ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा, PCO2 ज्यादा, ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा बच्चों। अगला देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, HbO2 आसानी से नहीं बनेगा। देखो हम लोग वो हर कंडीशन को लिखना है जो कि HbO2 के बॉन्ड के लिए क्या है, अनफेवरेबल है, वो क्या करेगा, ग्राफ को राइट शिफ्ट करेगा, ये ट्रिक है। तो PCO2 बढ़ेगा तो HbO2 आसानी से नहीं बनेगा, PO2 घटेगा तो HbO2 नहीं बनेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटेगा, वेरी गुड। अगला बच्चों H+ बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। बच्चों देखो H+ बढ़ेगा और pH क्या बच्चों, घटेगा, आपको पता होना चाहिए pH क्या होता है, pH इज नथिंग, pH इज माइनस ऑफ H+ आयन, ठीक है, pH इज माइनस लॉगरिथम ऑफ H+ आयन, पढ़ा होगा। चलो तो H+ बढ़ना मतलब pH घटना, ठीक है। चलो और बच्चों अगला क्या याद रखना, एक अगला पॉइंट याद रख लोगे, एक एसिड होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं 2,3-bifosphoglyceric acid। तो बच्चों याद रखना 2,3-bifosphoglyceric acid बढ़ेगा, ठीक है बच्चों, तो भी ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा बच्चों, तो भी ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा। तो बच्चों ये कंडीशंस कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो बच्चों ये 5 कंडीशंस ऐसे हैं इसमें ग्राफ राइट शिफ्ट करता है। ओके, राइट शिफ्ट करने का मतलब बच्चों क्या हुआ, राइट शिफ्ट का मतलब हुआ ऐसे कंडीशंस बच्चों, ऐसे कंडीशंस जो क्या है, अनफेवरेबल है फॉर किसके लिए, HbO2। तो HbO2 के बॉन्ड बनने के लिए जो अनफेवरेबल है वो क्या है, HbO2 फॉर्मेशन के जो अनफेवरेबल, वो क्या है बच्चों, राइट शिफ्ट करेगा। नाउ बात करेंगे बच्चों लेफ्ट शिफ्ट की, बात करेंगे बच्चों लेफ्ट शिफ्ट की, तो ग्राफ मेरा लेफ्ट शिफ्ट कब करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, वेरी गुड, कंडीशंस क्या है, हम क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वो कह रहे थे कि एक मिनट का टाइम, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लाइव है अभी, YouTube पे लाइव है अभी हम, तो कितना टाइम फ्री हो गया, 15 मिनट, 10 मिनट फ्री हूं, 10 मिनट में, ठीक है।
हम कर रहे हैं हाँ। तो बच्चों लिखना, तो क्या होगा बच्चों, लेफ्ट साइड कब करेगा, लेफ्ट साइड फिट करेगा जब क्या हो, कंडीशन फेवरेबल हो। तो फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होंगे बच्चों, फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होंगे, जो जो कंडीशंस HBO2 के बॉन्ड को बनाते हैं, तो लिख लो क्या क्या होंगे। तो वेरी गुड, तो PO2 बच्चों ज्यादा, अगला PCO2 कम, H+ कम, टेम्परेचर कम, और अगला बच्चों क्या, 2,3-BPG जो एसिड है वो भी बच्चों क्या कम। अरे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ध्यान रख लो बच्चों। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ लेफ्ट शिफ्ट एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ राइट शिफ्ट। तो ग्राफ मेरा लाइट एंड लेफ्ट शिफ्ट क्यों कर समझ में आ गया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में आता है। तो बच्चों दिस इज द कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चों लिख लिया इसको, जल्दी बताओ कोई दिक्कत किसी को, कॉन्फिडेंस से बताओ जल्दी, सब लोगों को समझ में आ गया। तो बच्चों याद रखना कहीं ना कहीं 100% सैचुरेशन भी हो रहा है, किसका, हीमोग्लोबिन। नॉर्मल रेंज कितना होता है, 95 से 100 नॉर्मल होता है, ठीक है, 95 से 100 बच्चों नॉर्मल होता है। चलो जल्दी से लिखो इसको, जल्दी सब लोग लिखो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों देखो मेरे हाथ पे देखो आपको, ठीक है, मैं अपने उंगली में लगाया हूँ ऑक्सीमीटर मशीन, ठीक है, ऑक्सीमीटर मशीन लगाया हूँ। तो बच्चों ऑक्सीमीटर मशीन क्या होता है, ऑक्सीमीटर मशीन बेसिकली एक ऐसा मशीन है जो कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के सेचुरेशन को दिखाता है, ठीक है, आपके ब्लड में, आपके क्योंकि उंगली के नीचे क्या है, आर्टरी वगैरह है, इसके अंदर ब्लड होगा, तो बेसिकली ब्लड के अंदर कितना सेचुरेशन है, कितना आपका सेचुरेशन हो रहा है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली इसमें थोड़ा कम आ रहा है इसमें, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ, जब आप बोलते हो तो क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो थोड़ा डाटा कम आ रहा है, बट देखो मैं दिखाता हूँ कितना आता है मेरा, ठीक है। तो इसको हम लोग लगाते हैं और इसको लगा के हम लोग इस तरह से छोड़ते हैं, तो देखो डाटा कितना आ रहा है, 97 आ रहा है, ठीक है, 97 मेरा SPO2 आ रहा है, रेंज कितना 95-100, कोरोना के पैसेंट देखो 98 हो गया, ठीक है। तो जब तक बोलूंगा फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत करेगा। और बच्चों ये पल्स रेट है, देखो पल्स मेरा 115 है, क्यों, क्योंकि लगातार मैं बोल रहा हूँ, पिछले 2 घंटे से मैं लगातार बोल रहा हूँ। देखो बच्चों SPO2 98 है, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, जैसे देखो मैं अगर मैं लंबा लंबा सांस लूंगा तो ऊपर नीचे खस गया, अभी मैं दिखाना नहीं चाहता आपको, ठीक है बच्चों। 98 मेरा SPO2, 98 SPO2, अरे आपको दिख रहा है ना, देखो 98 SPO2 है, और पल्स कितना 110 दिख रहा है, पल्स 110 है, SPO2 कितना देखो, परसेंटेज SPO2 देखो लिखा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है, वेरी गुड। पल्स मेरा 108 है, क्योंकि लगातार मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल पल्स कितना होता है, 60 से 100 होना चाहिए, देखो घट रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आराम, जैसे मैं क्लास खत्म करूंगा तो मेरा पल्स वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो SPO2 98 क्या दिखा रहा है, मेरा फेफड़ा, मेरा लंग्स सही काम कर रहा है। बट यही जो SPO2 बताओ, यही जो SPO2 होता है बच्चों, कोरोना के पैसेज में 93 से कम हो जाता है, 93-92-90 हो जाता है, तो हम लोग ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। तो हमारे ब्लड में, मतलब मेरे ब्लड में अभी क्या है, ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में, क्यों, मेरा फेफड़ा काम कर रहा है। बट सपोज हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो और बढ़ जाएगा, नॉर्मली 100 होता है बेस्ट, ठीक है, बेस्ट 100 होता है, 100 किसी किस किस्मत वाले लोग का होता है, 100 जो योगा वोगा करते हैं डेली, ठीक है, उनका 100 होता है, ठीक है। तो मेरा देखो 98 है और अभी पल्स 115, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग फिंगर में लगाते हैं और जैसे इसको हटाएंगे देखो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो देखो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, तो फिंगर आउट हो गया। तो बच्चों दिस इज द मशीन, दिस इज द मशीन जिसको कि हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल कोरोना पेशेंट्स के लिए। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर बच्चों, ठीक है, सब लोग को कंफर्म हो रहा है, बताओ। तो बच्चों इस तरह से लगाते हैं, अब मैं आपका उंगली में लगा तो नहीं सकता हूं बच्चों, क्योंकि आप मेरे से वर्चुअली जुड़े हो, मैं क्लास में तो जरूर आपको दिखाता हूं बच्चों। तो इस तरह से हम ऑक्सीमीटर लगाते हैं, जैसे इसको लगाओगे तो देखो क्या होगा, थोड़ी देर में मेजर कर देगा, ठीक है, और इसमें आपको क्या होगा, हार्ट का ग्राफ भी बन जाता है कि मेरा हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी मैं देख पाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस उंगली में लगाया, क्या दिखा, 97 दिखा रहा है, तो बेसिकली 97-98 के बीच में ये फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो मैं सांस ले ही नहीं पा रहा हूँ, हालांकि मैं सांस 1.5 घंटे से नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ, सांस में ले रहा हूँ, नो डाउट, बट जो होता है ना अच्छे से सांस ले रहा हूँ वो नहीं ले पा। देखो मैं आपके सामने दिखाता हूँ लाइव कैसे बढ़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ स्पीड बढ़ा के, लंबा लंबा सांस ले रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड वेट कर लो, देखो पड़ गया कितना आ गया, ये 98 आ गया, देखे 98 आ गया ना, हाँ दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो इस तरह से लंबा लंबा सांस लेके क्या, मैं अपने लंग्स को भर लिया ऑक्सीजन से, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से 2 घंटे से मैं लगातार बोल रहा हूँ, मैं सांस ले नहीं पा रहा था, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कोरोना के पेशेंट बच्चों यही होता है, हम लोग इसी तरह डिटेक्ट करते हैं और ऑक्सीमीटर लगा के चेक करते हैं बच्चों। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, समझ सबको आगे क्लिनिकली। तो देखो फिंगर आउट हो गया, ये डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी का बच्चों, ठीक है। तो ये सब चीज आपको हर घर में होना चाहिए, बेसिकली ऑक्सीमीटर आजकल हर घर में होना चाहिए, क्योंकि कोरोना में मौत क्यों हो रही है लोगों की, कोरोना में मौत हो रही है मेनली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण, सांस नहीं लेने के कारण मौत हो रही है लोगों की। बेसिकली हम लोग अगर टाइम पे चेक कर लिए, सपोज करो हमारा SPO2 95 से 100 होता है, क्या बोला मैं, नॉर्मल 95 से 100 रेंज होता है, बट सपोज करो अगर SPO2 92-91 सब और फॉल कर रहा है, तुरंत हम लोग ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, और फॉल कर रहा है, अंतिम हम लोग को वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, तब जाके लोगों की मौत हो जाती है बच्चों। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोरोना में मौत क्यों हो रहा है मेनली बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस नहीं ले पा रहा आदमी बच्चों, ये लिख लेना, कोरोना में मौत का कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है,
बिकॉज ऑफ निमोनिया, कोरोना वायरस निमोनिया करता है, लंग्स के अंदर निमोनिया कर देता है, इसी कारण लोगों की मौत होती है बच्चों। ठीक है, इस पॉइंट को ऐड कर लेना। ठीक है, चलो दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों। ठीक है, हम लोग फिनिश कर रहे हैं 5 मिनट में, हम लोग बस 5 मिनट फिनिश कर रहे हैं। चलो एक ग्राफ बच्चों समझ में आ गया। नो एडिशनल पॉइंट एक दो क्या याद करना होगा बच्चों, तो लेफ्ट राइट समझा दिया मैं आपको बच्चों। याद रखना फीटस की बात करेंगे तो फीटल हेमोग्लोबिन में ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। तो लिखना बच्चों फीटल हेमोग्लोबिन, तो फीटल हेमोग्लोबिन बच्चों क्या होता है, लिख लो ग्राफ होता है हाइपरबोला। क्या होता है बच्चों, कौन सा बोला, हाइपरबोला। तो फीटस के अंदर बच्चों याद रखना ग्राफ होता है हाइपरबोला शेप का। हाइपरबोला क्यों होता है लिखना बच्चों, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं बच्चों, हाइपरबोला किसमें होता है लिख लो बच्चों, हाइपरबोला होता है मायोग्लोबिन के अंदर। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन में एक प्रोटीन है, किसके अंदर, बेसिकली मसल्स के अंदर प्रोटीन होता है बच्चों मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन लिखना, मायोग्लोबिन में मोर एफिनिटी होता है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, इट हैज गॉट मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ग्राफ कैसा हाइपरबोला। और बात करते हैं बच्चों फीटस की, मैं उसको बना देता हूँ बच्चों। फीटस के अंदर क्या होता है बच्चों, फीटस के अंदर कहीं ना कहीं ग्राफ थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट होता है, कहीं ना कहीं ग्राफ थोड़ा सा पहले से लेफ्ट शिफ्ट होता है बच्चों। ये क्या है, फीटस हेमोग्लोबिन का, क्यों ऐसा होता है कॉन्सेप्ट लिख लो। देखो बच्चों फीटस हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, मोर एफिनिटी होता है, फीटल हेमोग्लोबिन हैव मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन। ओके, तो जब एफिनिटी ज्यादा होगा क्या होगा बच्चों, एफिनिटी ज्यादा होगा क्या होगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ग्राफ क्या होगा, ग्राफ 100% क्या होगा, कम प्रेशर पे पहुंच जाएगा। देखो कम प्रेशर पे ही पहुंच जा रहा है। ओके, तो बच्चा याद है ना फीटस के हेमोग्लोबिन का एफिनिटी ज्यादा होता है, सो ग्राफ इज मोर लेफ्ट, ग्राफ इज मोर लेफ्ट देन ऑफ एडल्ट। एडल्ट के मुताबिक फीटल के हेमोग्लोबिन का जब ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ भी सिग्मोइड शेप का होगा। नोट आउट, उसका ग्राफ भी बच्चों सिग्मोइड शेप का होगा। अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि उसका ग्राफ नॉर्मल से रेड वाला सपोज करो बच्चों एडल्ट का, रेड वाला एडल्ट का मेरा है सपोज करो, तो बच्चों का क्या होगा बच्चों, बच्चों का लेफ्ट शिफ्ट रहेगा बच्चों। कॉन्सेप्ट को ऐड कर लो, जल्दी से ऐड कर लो। ठीक है, चलो जैसे बच्चों कॉन्सेप्ट, चलो आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ओके बच्चों, तो ये आपको मैंने बताना था जो मैंने बता दिया बच्चों। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपका होता है बच्चों, एक पॉइंट और याद रख लोगे। देखो बच्चों एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू, तो यहाँ पे बच्चों क्या 50 सपोज, ये 50 है। ठीक है, चलो इस 50 को मैंने आगे बढ़ाया। ओके, फिर इसको मैंने नीचे ले गया, इसको मैं नीचे ले गया, हालांकि थोड़ा सा जल्दी बढ़ा लिया। ओके बच्चों, तो बच्चों ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू सपोज करो 25 mmHg है बच्चों, ये वैल्यू सपोज करो 25 mmHg है, तो क्या बोला बच्चों, और ये क्या बच्चों 50 है, तो क्या बोला बच्चों, देयर इज समथिंग कॉल्ड P50। P50 क्या होता है पूछता बच्चों, तो P50 लिखना बच्चों, P50 वो प्रेशर है, P50 इज दैट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखो बच्चों, एट विच हेमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड बच्चों, 50% सैचुरेटेड हो जा रहा है क्या, हेमोग्लोबिन, वो वाला पार्शियल प्रेशर जहां पर क्या हो रहा है, हेमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो रहा है। तो याद रखना बच्चों 25 mmHg पे, 25 mm मर्करी प्रेशर पर हेमोग्लोबिन 50% सैचुरेट कर जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और एक कॉन्सेप्ट लिख लेना बच्चों, अगर सपोज करो, अब तुम लोग खुद आंसर दोगे, बताओ अगर हम लोग का PCO2 बढ़ जाएगा, तुम लोग आंसर देना क्वेश्चन, राइज इन PCO2, आंसर दो राइज इन PCO2, अगर किसी का PCO2 बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, या कह सकते हैं फॉल इन O2, फॉल इन O2। ठीक है बच्चों, छोड़ दो, राइज इन PCO2 लिखो बच्चों, अगर किसी इंसान के अंदर PCO2 का बच्चों लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर दो मेरे क्वेश्चन का, P50 वैल्यू पहले आएगा कि बाद में आएगा, बताओ सोचो, तुम लोग आंसर दो जल्दी से, तुम लोग जो क्लास कर रहे हो बताओ आंसर दो, अगर किसी इंसान के अंदर PCO2 बढ़ गया तो P50 वैल्यू पहले आएगा कि बाद में आएगा, मतलब 25 से ज्यादा होगा या कम होगा, आंसर दो जल्दी, आंसर दो, अरे बोलो जल्दी आंसर दो, ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, सोच के बताना, सोच के आंसर दो जल्दी। इतना बढ़िया से पढ़ाने के बाद ये हाल है, तो फिर नहीं पढ़ाना चाहिए था। अच्छा जल्दी आंसर दो, राइज इन PCO2 क्या करता है बच्चों, तो राइज इन PCO2 डिक्रीजेस ऑक्सीजन एफिनिटी। ठीक है, वेरी गुड, रेजिंग P50 वैल्यू, P50 वैल्यू बच्चों बढ़ जाएगा यहाँ पर। हाँ, किसी का आंसर नहीं आया, लेस आंसर है, नहीं वो बढ़ जाएगा। तो कहिए देखो बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, सिंपल तो कॉन्सेप्ट है, PCO2 बढ़ रहा है, वो क्या बोला मैं, PCO2 क्या है, PCO2 अनफेवरेबल है, ग्राफ बच्चों राइट शिफ्ट कर जाएगा। तो देखो मैं बनाता हूँ ग्राफ बच्चों, राइट शिफ्ट कर जाएगा, वेरी गुड, राइट शिफ्ट किया बच्चों, अब सिंपल तो कॉन्सेप्ट है, ग्राफ राइट शिफ्ट किया, तो अब क्या करें हम लोग, 50 को मिलाओ, तो मिलाओ, अब कंपेयर करो, अब देखो अब पैसा कितना है बच्चों, 50 mmHg। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। तो PCO2 बढ़ाने से बच्चों याद रखना, PCO2 को बढ़ाने से मेरा P50 वैल्यू बढ़ जाता है। ओके, क्यों बढ़ता है, क्योंकि O2 का एफिनिटी घटता है, क्यों, क्योंकि HBO2 का बॉन्ड कमजोर पड़ता है, एंड दिस इज कॉल्ड, पता क्या बच्चों, दिस इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बोर्स इफेक्ट बच्चों, स्टार लगाना नीट में आ सकता है, पूछेगा आपसे बोर्स इफेक्ट क्या होता है, आंसर क्या जाएगा, राइज इन PCO2 के बढ़ने से
P50 वैल्यू का बढ़ना इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट, ठीक है. राइज इन PCO2 रेजिंग द P50 वैल्यू इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट, ठीक है. किसका किस आंसर है बढ़ जाएगा, जाहिर अहमद का आंसर बढ़ जाएगा, वेरी गुड आंसर. रुकैया का आंसर गलत है सबका, ठीक है. समझ में आएगा बच्चों, अरे समझ में आया क्या बोला मैं, PCO2 बढ़ाने से क्या होता है, जस्ट पढ़ाया ग्राफ राइट शिफ्ट करता है, समझ करो नॉर्मल है. और ये क्या बच्चों, ये उसका है जिसका CO2 बढ़ा हुआ है, क्या होगा बच्चों मेरा, देखो PCO2 बढ़ गया तो ग्राफ राइट शिफ्ट कर गया. तो देखो अब क्या होगा, अब हम लोग वापस से क्या किए, 50% सैचुरेशन का पॉइंट खोजे, इसको ट्रेस किया तो क्या दिख रहा, देखो पार्शियल प्रेशर कितना है बच्चों, पहले कितना था 25 mmHg था, अब कितना हो गया 50 हो गया. अरे सबको समझ में, सबको क्लियर हुआ, जल्दी कंफर्म करो सबको पॉइंट क्लियर हुआ, बोर्ड इफेक्ट क्या होता है. तो बोर्ड इफेक्ट का मतलब बच्चों P50 का वैल्यू बढ़ना कब, PCO2 के बढ़ने से. तो PCO2 का बढ़ना से आपका P50 वैल्यू बढ़ जाएगा. नॉर्मल 50 कितना होता है बच्चों, नॉर्मल P50 वैल्यू होता है 25 mmHg. प्रेशर कितना बच्चों, इसका वैल्यू कितना है 25 mmHg बच्चों. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग बोलो क्लियर हो गया चीज, सब लोग बताइए जल्दी से, सब लोग बताइए क्लियर हो गया चीज. ओके नो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हम लोग बच्चों पढ़ लिए हैं, इसको रीडिंग लगा लेते हैं और सुन लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों हम लोग पढ़ लिए, इसको रीडिंग लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है, क्लास खत्म कर लेते हैं. चलो बच्चों तो देयर इज ट्रांसपोर्ट, सब लोग क्लियर करो, क्लियर हो गया. नो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होता है, क्या फॉर्म में, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन बच्चों, याद है ये कार्बा एमिनो है बच्चों, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बच्चों, ये कार्बोक्सी नहीं है. ओके मैं लिख देता हूँ, काट देता हूँ लिख के, कार्बा एमिनो है बच्चों, ठीक है. क्या है बच्चों ये HbCO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी नहीं, क्या बोलते हैं, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन. कार्बोक्सी किसको बोलते हैं, वेरी गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है हेमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी. चलो कितना बच्चों 20-25%. नो ये बाइंडिंग कैसे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से. नो PO2 एक मेजर फैक्टर है जो कि इस बाइंडिंग को इफेक्ट करेगा. बोला ना आपको लड़का लड़की की शादी, यहाँ पे लड़का लड़की क्या है, यहाँ पे लड़का लड़की CO2 और HB है. तो लड़का लड़की CO2 HB है, तो ये दोनों के बाइंडिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सा होगा, इसका एक्स बॉयफ्रेंड कौन सा, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बेसिकली कहीं ना कहीं एक एक्स बॉयफ्रेंड जो कि मेजर रोल करेगा और इसके बाइंडिंग को कहीं ना कहीं बिगाड़ेगा. ना जब PCO2 हाई होगा, देखो बच्चों हम पढ़ चुके हैं PCO2 हाई कहाँ पर, टिश्यूज में, और PO2 बच्चों लोज है, ठीक है. तो वहां पर क्या होगा, मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 होगा, और PCO2 लो और PO2 हाई कहाँ पर, एल्वोलाई में. तो क्या होगा बच्चों वहां पर, वहां पर हो जाएगा क्या, डिसोसिएशन. तो डिसोसिएशन होगा किसका, CO2 का डिसोसिएशन होगा, किससे, HbCO2 से. और क्या हो गया बच्चों, CO2 जो बाउंड हुआ, तो क्या बोला मैं, CO2 जो हेमोग्लोबिन से बाइंड हुआ कहाँ पर, टिश्यूज पे, वो कहाँ गया, एल्वोलाई तक चला गया. मैं आपको कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, याद आ रहा है ना बच्चों, ये क्या बोला था मैं, टिश्यूज पर क्या हुआ, HbCO2 बना. क्यों बना, यहाँ पर CO2 ज्यादा O2 कम, बट यहाँ पर जाकर टूट गया. क्यों टूटा, क्योंकि यहाँ पर PO2 ज्यादा और CO2 कम, ठीक है बच्चों, टूट गया. नाउ RBC के अंदर बच्चों एक एंजाइम होता है, RBC के अंदर वी हैव गॉट एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ओके बच्चों, और उसका काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज. कार्बोनिक एनहाइड्रेज लिखना बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है. और बच्चों याद रखना, थोड़ा सा एंजाइम प्लाज्मा में भी होता है, थोड़ा सा एंजाइम प्लाज्मा में भी होता है. मैं ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, जो रिएक्शन में पढ़ाया था वही करता है. तो क्या हुआ बच्चों, देखो CO2+H2O कहां बना था ये बच्चों, टिश्यू पे बना था. तो टिश्यू के साइड पे क्या हुआ था, CO2H2O मिला था, और क्या बना था, अंडर द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम क्या बना था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से बना था H2CO3. ना H2CO3 बच्चों वीक है, ये क्या करता है, ये टूट जाता है SCO3-H+ में, ठीक है. ना ये SCO3-H+ है, और बच्चों क्या होता है, देखो ये SCO3- ये RBC से, पूछ करो RBC से बाहर आ गया, वेरी गुड. और क्या होगा यहाँ पर, एक क्लोराइड आयन मेरा अंदर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, याद आ रहा है, वेरी गुड. चलो तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा हो, देखो एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म का मतलब ग्लूकोज को बर्न किया ऑक्सीजन में, तो क्या बना, CO2H2O2, दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म. CO2 डिफ्यूज करेगा ब्लड में कहां पर, RBC और प्लाज्मा में, और फॉर्म करेगा क्या, SCO3- और H+. एट द एल्वोलाई साइट PCO2 लो है, तो रिएक्शन क्या करेगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा. अपोजिट डायरेक्शन का मतलब H2CO3 अब टूट जाएगा बच्चों किसमें, H2 और CO2 में बच्चों. देखो H2CO3 अब वापस टूट जाएगा किसमें, H2CO2 में, और रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CO2H2O. तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में ये है कि CO2 जो ट्रैप्ड होता है किसमें, एज बाइकार्बोनेट आयन. CO2 जो ट्रैप्ड होता है बाइकार्बोनेट आयन पर टिश्यू लेवल में, वो ट्रांसपोर्ट होता है कहां पर, एल्वोलाई पर, रिलीज होता है किसमें, CO2 के फॉर्म में. अपन लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया आप लोगों को. बच्चों लास्ट बट नॉट लिस्ट, हर 100 ml DOB 4 ml CO2 एल्वोलाई को ले जाता है. कहने का मतलब ये बच्चों मेरा टिश्यूज है, तो टिश्यूज पे क्या बोला मैं, टिश्यूज के पास जो आपका ब्लड वेसल है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, HbCO2 बन रहा है, वेरी गुड. क्या बन रहा है बच्चों, H+SCO3- बन रहा है, वेरी गुड. और क्या है बच्चों, 7% प्लाज्मा में. तो अल्टीमेटली 100 ml ब्लड अगर एल्वोलाई तक पहुंचता है, तो 100 ml ब्लड कितना करता है बच्चों, 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां पर, एल्वोलाई को बच्चों. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, सो दिस इज मी अनिकेत साइनिंग ऑफ. तो कैसा लगा क्लास बिल्कुल बताओ बच्चों, कैसा रहा क्लास बिल्कुल अपना कमेंट सेक्शन में बताओ. तो हम लोगों ने बच्चों मैक्सिमम चीज कर लिया, बचता है एक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिसऑर्डर्स, ठीक है. तो बच्चों आधा घंटा का टॉपिक और बचता है, ठीक है. तो हम लोग कल इसको फिनिश कर लेंगे, और कल ही हम लोग शुरू कर देंगे
तुम लोग को पढ़ना नहीं पढ़ना क्लियरली बता दो, तो कल बच्चों हम लोग शुरू कर देंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। आधा घंटा बच्चों टॉपिक बच रहा है और थोड़ा बहुत 10-15 मिनट में कुछ पॉइंट ऐड करवाऊंगा और बच्चों हम लोग शुरू करेंगे। आज ही खत्म हो जाता बट तुम लोग के कम होने से थोड़ा सा एनर्जी लेवल घट जाता है मेरा, ठीक है। तो कल हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम शुरू कर देंगे। ओके दैट्स इट बच्चों, कैसा लग रहा है बिल्कुल बताओ। चलो थैंक यू, सब कुछ क्लियर हो गया, नया कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखे हो गए, तो बहुत कुछ सीखे हो गए नया लाइफ में, ठीक है। तो यही होता है, तुम इंडिया में कहीं भी पढ़ लो हमेशा नया ना कुछ सीखोगे मेरे से, ठीक है। हाँ तो कॉन्सेप्ट, चलो तो बिल्कुल अच्छा लगा क्लास तो बिल्कुल बताना, ठीक है। चलो एंड गिव अ लाइक इफ यू लाइक द क्लास, ठीक है, लाइक कर देना। चलो ठीक है बाबू, तो हम लोग कल मिलते हैं। तो आई होप आप लोग इंजॉय किए क्लास को, ऑक्सीमीटर बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ तो अभी भी देखो मैं लगातार पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ तो मेरा तो ऐसे ही पल्स बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। लाइक जब आदमी बोलता है तो क्या करता है, एक्सपायर करता है बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल लाइक कर देना क्लास को, अच्छा लगा होगा तो। देखो अभी 97 आ रहा है, देखो उल्टा आपको दिख रहा होगा, 76 दिख रहा होगा बट 97 है, 98 हो गया। देखो वाओ वाओ आई एम नॉर्मल, मेरे देखो पल्स कितना है 107 है, वो नॉर्मल हो जाएगा, 100 के नीचे आ जाएगा क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ 110। देखो आपके सामने नॉर्मल हो जाएगा, अगर मैं अगर 10 सेकंड शांत रह जाऊंगा तो देखो आपके सामने नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है तो वो फ्लक्चुएट कर रहा है 97, 98, SpO2 हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, 111। तो बस इस तरह से नॉर्मल हो जाता है, देखिए 98 देखो 98 वापस से हो गया। तो बच्चों इस तरह से नॉर्मली हम लोग बॉडी को मेजरमेंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकली पढ़ाई करना, जिसको क्लिनिकल अप्रोच, ठीक है। लाइफ में आप बहुत पढ़े होंगे बट क्लिनिकली जो पढ़ने का होता है वो डॉक्टर ही पढ़ सकता है, ठीक है। हाँ दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बट आप लोग क्लास सीरियसली नहीं करते हो, तो अगर आप लोग को नहीं करना है क्लास को तो बता दो, मैं बंद कर दूंगा, मेरा कोई फायदा नहीं है अगर तुम लोग इस तरह से करोगे, ठीक है। बहुत बुरा लगता है, ठीक है, टू बी क्लियर, बहुत बुरा लगता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। देखते हो तुम्हारा लाइव चैट मेरे सामने है तो कंटिन्यू आप लोग को रिस्पॉन्स भी देना पड़ता है, आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हो, रक्षा पूजा साइमा जाहिर अहमद, जाहिर अहमद तो दो दो लोग हैं, साइमा समर विकेश कुमार, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से क्लास होता है तो बड़ा मेहनत लगता है, तो प्लीज समझो इस मेहनत की कद्र करो। अगर कद्र नहीं करोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1-2 दिन में वेट करूंगा, अगर रिस्पॉन्स तुम लोग अच्छा नहीं आया तो आई विल एंड दिस क्लास को, ठीक है। चलो बाकी तुम लोग सोच लो तुम लोग क्या करना है। चलो भाई।